मैं एक चीज आपको बता दूं, जो भी चीज मैं बोलता हूँ उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कॉपी पेन रखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज डिस्कशन होती है सारी की चीजें रिकॉर्ड होती हैं, पूरा ऑडियो रिकॉर्ड होता है, जो मैं डायग्राम में बनाऊंगा सब रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डिंग के बाद ये वीडियो आपको मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग करने से दो फायदा है, एक तो आपको भी और मेरे को भी, ठीक है ना। मेरे को फायदा क्या है, मेरे को फायदा है कि 3 घंटे का सेशन, मतलब 3 घंटे सिर्फ मैं बोलता हूँ, आप सुनते हो, आप अंडरस्टैंड करते हो, चीजों को कैच करते हो, आप लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा आपको फायदा है कि आज सबको पता है कि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप दूर से आए होगे तो हो सकता है 2 घंटे मेट्रो में आने लगा, हो सकता है 2 घंटे मेट्रो में जाने में लगे। तो जो वीडियो मैं आपको दूंगा ना, ये आप मेट्रो में ना पढ़ोगे, जैसे कोई 2 घंटे लग गया तो 2 घंटे हमने क्लास खत्म किया, आप उसको मोबाइल पे रखिए, हेडफोन लगा के मेट्रो में पढ़ते पढ़ते घर पहुंच गया। लैब लैब का ही तो टाइम चाहिए ना, तो घर में 20 मिनट निकाल के लैब कर, ऑफिस जा रहा है कैब में बैठा है पढ़ लिया, है ना। तो प्रैक्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट। आपको पता है दो इंजीनियर होते हैं मार्केट में, एक एक इंजीनियर पढ़ाई नहीं किया बट इंजीनियर के साथ 10 साल काम करके इंजीनियर बन गया, लेकिन वो इंजीनियर थोड़ी है सर। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? उसका इंक्रीमेंट नहीं होता, वो कितना भी अच्छा काम कर ले। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सुनना ज्यादा है। प्रैक्टिकल में क्या, प्रैक्टिकल हार्डली 10 मिनट बैठे तो प्रैक्टिकल लैब हो जाती है सर आजकल। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो आपको पेन कॉपी लेके आने की जरूरत नहीं है, अगर आप फिर भी लाके बैठते हो तो लेके बैठिए, कोई बात नहीं। आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज नो आपकी हैबिट है नोट करने की तो नोट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज मैं जो बोलूंगा सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आप जो पूछोगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, ऑनलाइन से जो बंदे पूछेंगे वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और क्लास के बाद ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। और उससे एक और फायदा है कि आप फ्यूचर में कभी अपनी चीजों को रिकॉल कर सकते। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? चलो कहाँ पे थे हम लोग, डेवऑप्स, राइट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डेवऑप्स एक्चुअल में है क्या, राइट। मैं क्या बोल रहा था, 95% लोगों को ना ये बात पता होता मैं क्या कर रहा हूं, है ना, लेकिन क्यों कर रहा हूं ये क्लियर नहीं होता कभी। सिर्फ 5% लोगों को पता होता है मैं क्यों कर रहा हूं। हम सब करते हैं, हम कंपनी में काम कर रहे हैं, हम डॉकर पे काम कर रहे हैं, कुबरडेस पे काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हम ये काम कर रहे हैं बट हमें ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों डेवऑप्स कर रहे हैं। किसने बता दिया डेवऑप्स में एंसेबल आता है, गिट आता है, जेनकिन आता है, कुबरडेस आता है? ठीक है भाई, कर लिया तो क्या होगा, ऐसे तो 36,000 कोर्स होते हैं ना पूरे आईटी इंडस्ट्रीज में, उठा के देखो हमारे लिए क्या फिट बैठेगा, हमारा जो पास्ट है उसके हिसाब से क्या है ये। तो सबसे पहले समझेंगे आईटी करियर पाथ को। आईटी के अंदर प्रोसेस को समझेंगे कि आईटी बेस्ड कंपनी करती क्या है ना। अगर मैं आपसे पूछूं एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रीज क्या कर रही है मार्केट, कार बना रही है, क्यों बना रही है, किस किसके लिए बना रही है, इंसान के लिए बना रही है, इंसान के लिए बना रही है ना कार, अगर इंसान की जरूरत नहीं है तो बंद हो जाएगी मार्केट। मैं कहता हूं इलेक्ट्रिसिटी जो बेस, आप लैपटॉप बंद कर दीजिए सर, कॉन्सेंट्रेट करिए सुनने में पूरा। अगर एक इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कंपनी बिजली बना रही है, किसके लिए बना रही है, हमें, जरूरत किसको होता है, हमें होता है, आपको होता है। कल हमें बिजली नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज के टाइम पर हम अपने पर्सनल लाइफ के कामों को ना सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, पर्सनल लाइफ के काम को। अब पर्सनल लाइफ में क्या, आपने यहां तक आए मेरे से कैसे कॉन्टेक्ट किया, वाया सॉफ्टवेयर। ऑनलाइन में जो बंदे बैठ के हमारे साथ मीटिंग कर रहे हैं, वाया काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। समझ आ रही है ना, आपको स्विट्जरलैंड जाना है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू वहां के होटल बुक कर लोगे, वहां के टिकट बुक कर लोगे। तो मतलब हम लोग अपनी लाइफ के जो पर्सनल डेली बेसिस के जो काम है उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं सर। तो मैं पूछना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर बनाने वाला कोई इंडस्ट्रीज तो होगा ना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोई इंडस्ट्रीज होगा ना, कोई कंपनी होगा ना, कौन बनाता होगा, इंसान बनाता होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और उन्हीं की वजह से हमें जॉब मिलती। तो एक कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही है तो उसको हाउसकीपिंग का बंदा भी चाहिए, उसको लैन केबल लगाने वाला बंदा भी चाहिए, उसको लिनक्स सर्वर इंस्टॉल करने वाला बंदा भी चाहिए,
उसको स्विच राउटर रैक में माउंट करने वाला बंदा नीचे की, समझ आ रही है? उसको 5000 सर्वर में कुछ इंस्टॉलेशन करवाना है तो उसके लिए ऑटोमेशन वाला बंदा चाहिए, मतलब सब सारी नौकरियां ना उसकी वजह से टिकी हुई है। किसकी वजह से? लोगों को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर बना रही है, उनको ये सारे मैन पावर बंदे चाहिए, वो हमें हायर कर लेते हैं। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो सबसे पहले हम समझेंगे सर आईटी का प्रोसेस मैनेजमेंट। जिन्होंने सुन रखा है मेरे से ये वाली चीजें एक बार, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, रिकॉल हो जाएगा भाई, लॉस नहीं होने वाला, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर आपको आईटी का प्रोसेस मैनेजमेंट क्लियर नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं, आप आईटी का कोई भी कोर्स करें, कोई बेनिफिट का नहीं। आईटी प्रोसेस मैं पूछना चाहता हूं कि हर एक बंदे को अपनी जहां पे वो काम करता है ना उसका प्रोसेस पता होना चाहिए। एक आर्मी में कोई बंदा ज्वाइन करता है ना, उसको जीरो से लेके एंड तक के प्रोसेस पता होता है। एक मेजर कर्नल अगर आर्मी में ज्वाइन किया है, उसका काम नहीं है बंदूक उठाना, उसका काम नहीं है रनिंग करना, लेकिन उसको हर एक प्रोसेस पता है, उसको पूरा प्रोसेस पता है, आर्मी का पूरा सिस्टम पता है। एक बैंक में आप चले जाइए, एक कैश के कैश को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला बंदा सिस्टम में बैठ के कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसको बैंक का पूरा प्रोसेस पता है। लेकिन आईटी में पता, हमें अपना प्रोसेस ही नहीं पता। हम क्या फील कर रहे होते हैं, सर मैं तो लिनक्स एडमिन हूं, मेरा काम क्या है, लिनक्स के ऊपर कमांड मार। हमें यही नहीं पता कि बैकएंड की टीम क्या करती है और हमारे फ्रंट की टीम क्या कर रही है, मेरा रोल क्या है। मैं अगर सिस्को का राउटर कॉन्फिगर कर रहा हूं तो मेरी वजह से कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा, मेरी वजह से कंपनी को क्या रेवेन्यू आ रहा है, मेरा क्या प्रोफाइल है, अगर मैं चला गया तो क्या होगा। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? जब तक हमें ये चीज नहीं पता, तब तक पता क्या होगा, हम भटकते रहेंगे। किसी ने बोला ये कर ले, किसी ने बोला ये कर ले, किसी ने बोला बड़े भाई ने बोला तो डेवऑप्स कर ले, किसी ने बोला मेरा मन कर लिया तो डेवऑप्स कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। किसी ने बोला मेरे बॉस ने बोला तो मैं कर लिया, किसी ने मुझे समझाया तो मैंने कर लिया। आपको अपना करियर आपको डिसाइड करना है कि मेरे को किस रास्ते में चलना है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो थोड़े टाइम के लिए आप लोग ऐसा समझिए कि आप लोग सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, आप किसी का काम नहीं करोगे, आप सॉफ्टवेयर बनाओगे। फील कर लो थोड़े टाइम के लिए कि हम सब मिलकर ऑनलाइन में जो दो लोग बैठे, हम सब 8-10 मिलकर हमने सोचा कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे। किसके लिए बनाएंगे? इंसान के लिए। इंसान को ही तो चाहिए ना, जानवर को थोड़ी चाहिए सॉफ्टवेयर। तो चलो कोई भी एक प्रोडक्ट उठा लिया आपने बनाने के लिए, लेकिन सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? हम सबको सबसे पहले क्या चाहिए? डेवलपर। क्या चाहिए सर? क्या चाहिए? डेवलपर चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, डेवलपर्स हायर कर लिया, लेकिन कितना डेवलपर चाहिए ये कौन डिसाइड करेगा? डिपेंड करेगा कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो कितना बड़ा है, उसे डिपेंड करेगा ना। हो सकता है गूगल नाम की कंपनी बहुत बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, उसके बाद हजारों डेवलपर है, माइक्रोसॉफ्ट के पास हजारों डेवलपर है, रेड हैट के पास हजारों डेवलपर है। आपको क्या लगता है जो आरिच रेड हैट ने आरिचल 8 लाकर आपको दिया है, ये क्या एक डेवलपर ने बनाया हुआ? हजारों डेवलपर उस एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेवलपर चाहिए। अब हम लोगों ने एक छोटा सा मान लीजिए ओला कैब जैसा एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं मान लीजिए, या आजकल देखा कई सर ऑनलाइन पेमेंट वाले सॉफ्टवेयर आते हैं, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, ऐसे कुछ हम लोग बना रहे हैं। तो हमारा अगर छोटा सा प्रोडक्ट है तो हो सकता है कि हमें उतने डेवलपर्स, 1000 डेवलपर्स की जरूरत ना पड़े, 100 में काम हो जाए, है कि नहीं? तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पर क्या किया, दो डेवलपर्स हायर किया। क्या किया? दो डेवलपर्स हायर किया हमने। क्या किया हम लोगों ने? दो डेवलपर्स हायर कर। लेकिन अब ये तो दो डेवलपर्स हैं, इनको तो डेवलपर्स को तो एक ही चीज आता है, कोड लिखना। भाई बता दे तो कोड लिखना आता है मुझे, सी प्लस पे लिख दूंगा, जावा पे लिख दूंगा, पीएचपी पे लिख दूंगा, जिसमें बोलेगा उस पे लिख दूंगा, मैं तो डेवलपर हूं यार।
लेकिन अगर मेरे से तू ये बोलेगा ना कि कीबोर्ड का माउस नहीं चल रहा, मैं उसको सही नहीं कर पाऊंगा, तू मुझसे ये बोलेगा ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दे, मैं उसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तो आपने पूरा इंटायर दी लाइफ वो लोग कोडिंग ही करते हैं और कुछ नहीं करते। तो चलो आपने दो डेवलपर हायर कर लिया अपनी जरूरत के हिसाब से, लेकिन सवाल आता है कि डेवलपर्स को लैपटॉप देना है, तो अब लैपटॉप आप दोगे तो अगर ऑनर लैपटॉप देगा क्या? ऑनर तो बजट पास कर देगा। अब लैपटॉप देना है, लैपटॉप देने के बाद उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, उस लैपटॉप को डोमेन में ज्वाइन कराना। आप लोगों को कंपनी से लैपटॉप मिला होगा तो वो डोमेन में ज्वाइन होगा, याद करेंगे। उसके ऊपर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, एमएस ऑफिस और कुछ ऐसी सेटिंग भी कंपनी आपके लैपटॉप पे करके देती है जो कि आप घर जाकर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना कर पाए। होता है कि नहीं होता ऐसा? ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो इसका मतलब डेवलपर्स के लैपटॉप की मैनेजमेंट के लिए ना आपको एक टीम चाहिए। अब मैं अगर बात करूं कि हम लोग सब मालिक हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो डेवलपर्स कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, हमारे लिए एक रिसोर्स है सर। ऑनर के लिए तो एक रिसोर्स है, कितना भी इंटेलिजेंट डेवलपर क्यों ना हो, वो रिसोर्स है सर, वो कुछ भी नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो अब डेवलपर्स के लैपटॉप को मैनेज करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक ऐसी टीम चाहिए जो ये काम करता हो, कीबोर्ड सही कर दे, माउस सही कर दे, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। कौन है यहाँ पे डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर? था ना, यही काम करते थे आप भी, यही करते थे ऑनलाइन? जी सर। आप में से कौन है डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर? मैं था सर। यही काम करते थे जी? आपने भी किया? तो डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर की प्रोफाइल यही होती है कि आपके ऑफिस में 1000 एम्प्लॉई हैं, 1000 एम्प्लॉई में 4 डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर रख लिया, 250 यूजर को मैनेज करो। क्या मैनेज करो? उनके लैपटॉप में पेन ड्राइव लगानी है, पेन ड्राइव का एक्सेस देना है, डोमेन में ज्वाइन कराना है, कोई एनएसएसई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, चाहिए ना बंदा? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी दूसरे रिसोर्स को हायर की, उस दूसरे रिसोर्स को क्या बोला जाता है? डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो हम मार्केट पे आए हैं, क्या हमारा गोल अचीव हुआ? अभी तक गोल अचीव नहीं हुआ सर। गोल हम लोग का कब अचीव होगा? जब हमारा सॉफ्टवेयर बनेगा और बन के मार्केट में बिकेगा, लोग खरीदेंगे, उससे पैसे आएंगे, तब हमारा गोल अचीव होगा। माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी जो विंडोज सर्वर 19 बनाती है, 16 बनाती है, इनका गोल कब अचीव होता है? जब IBM, HCL, TCS जैसी कंपनी उसको लेती है, लाइसेंस लेती है, तब जाके गोल अचीव होता है। रेड हार्ट नाम की कंपनी जो RHEL 8 बनाया, उसका गोल कब अचीव होता है? जब IBM नाम की कंपनी उसको अपने प्रोडक्शन में डालकर उसे सब्सक्रिप्शन लेती है, तब जाके गोल अचीव होता है। समझ आ रही है? तो इसका मतलब हमारा गोल अभी अचीव नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ इनको सैलरी बांट रहे हैं रिसोर्स हायर करके। तो मतलब हमें भी क्या चाहिए सर? हमें भी गोल अचीव करने के लिए थोड़ा सा वेट करना। तो हमारा यहां तक का प्रोसेस हो गया, अभी कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ हमें। अब कंपनी क्या करेगी? हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा अभी, पता है, हम सब ऑनर के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, हमने डेवलपर्स हायर कर लिया, लेकिन कल को अगर डेवलपर्स अपने लैपटॉप में बैठ के कोडिंग कर रहा है, तो उसका कोड उनके लोकल हार्ड ड्राइव में जाके स्टोर हो रहा है, लोकल हार्ड ड्राइव में स्टोर हो रहा है, कल को डेवलपर का लैपटॉप चोरी हो जाए, क्रैश हो जाए, तो ठीक है भाई, लैपटॉप का कॉस्ट क्या होगा? 40,000-45,000, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोड जो 6 महीने से पड़ा हुआ था, उसका क्या दोबारा लिखवाओ? कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट क्या टाइम? तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन हो गया, ऐसा कुछ कोडिंग का ना बैकअप सर्वर बनाओ। अब बैकअप का मतलब क्या कि डेवलपर को बोलो कि जो भी कोडिंग आप करते हो ना, उस कोड को ना एक सेंट्रलाइज लोकेशन में आप अपलोड कर दो, जिससे भाई एक कॉपी हमारे पास भी रहे, आपके पास भी, अच्छी बात। तो आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग नेहरू प्लेस जाओगे, नेहरू प्लेस से आपने एक सर्वर परचेज किया, अब सर्वर परचेज कर रहे हो, मान लो ग्रेट सर्वर, तो हो सकता है 2.5-3 लाख का ही हो, 5 लाख का हो, सर्वर आपने परचेज करना है हम सब ने। अब इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, भाई किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई हार्डवेयर ऑपरेट नहीं होता सर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डाले? कुछ भी डाल ले भाई,
है ना, कोई बंदा, हम लोग कंफर्टेबल विंडोज में थे तो हमने विंडोज डाल लिया, हम थोड़ा सा स्मार्ट हो चुके हैं तो हमने लिनक्स डाल लिया, वो मैटर अभी नहीं कर रहा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर, हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। उसके बाद हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया यहाँ पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया कॉमन नाम का, और हमने इस फोल्डर को शेयर कर दिया, और हमने क्या बोला डेवलपर्स के सिस्टम पे राइट्स दे दिया। अब डेवलपर्स क्या करते हैं, कोडिंग लिखते हैं हर शाम को 5:30 बजे, पंच आउट कर, आउट करने से पहले कोड को अपलोड करते हैं एक फोल्डर बनाकर हर डेट बाई डेट के हिसाब से, और निकल जाते हैं। ठीक है भाई, एक कॉपी हमारे पास आ रही है। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कल को फ्यूचर को देखते हुए हम लोगों ने प्लान बनाया, कंपनी कराई। लेकिन अब सवाल आता है कि ये 5 लाख का सर्वर खरीद तो लिया हमने, इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाल तो लिया, लेकिन सवाल आता है कि डेवलपर जब कोड को अपलोड करता है ना तो अपलोडिंग फेल, या हो सकता है कि इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम डाला था साला वो काम ही नहीं कर रहा, या हो सकता है कि एक डेवलपर आज बीमार है, वो कहता है मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा, जैसे अभी सोएसा ने बोला कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूं, तो घर से कैसे कनेक्ट करेगा इस सर्वर को, ये सर्वर तो हमने अपनी बिल्डिंग में लगाया ना, और आप घर का मतलब पब्लिक में बैठे हुए और ये प्राइवेट है, तो अब सवाल आती है कि उस डेवलपर को राइट्स देनी है, इस सर्वर की मॉनिटरिंग करनी है, इसकी मैनेजमेंट करनी है, पैच अपडेट करना है सर्वर पे, तो अब सवाल आता है कि हम लोगों को ना एक और रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, सिस्टम एडमिन। तो हम लोगों ने इंटरव्यू लिया सिस्टम एडमिन का, और सिस्टम एडमिन को हायर किया, उसको बोला भाई देखते रहियो, वो सिस्टम एडमिन सर्वर को मैनेज करता है, इसकी मॉनिटरिंग देखता है, कल को किसी डेवलपर का कोड पुश करते टाइम दिक्कत आ गई वो देखता है, राइट्स को देखता है, कल को कोई नया डेवलपर्स आ गया उसको भी राइट्स देनी है वो देखता है, कल को वर्क फ्रॉम होम से वीपीएन के थ्रू करना है वो देखता है, मतलब एक सिस्टम एडमिन की जरूरत पड़ गई, मतलब तीसरा रिसोर्स की जरूरत हमें पड़ेगी। कौन सा सर? तीसरे रिसोर्स की जरूरत पड़ी, समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? उसके बाद हमने एक सिस्टम एडमिन हायर कर लिया और हमने इसका नाम दे दिया दिस इज अवर डेव सर्वर। नाम है सर कुछ भी दे दो, क्या जाता है इसमें, हमने बोला ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर है। लेकिन क्या डेव सर्वर लगाने के बाद गोल अचीव हुआ? गोल अचीव नहीं हुआ। अब अगला प्रोसेस पे जाएंगे, अगला प्रोसेस क्या होगा, हमने डेवलपर से कोडिंग लिखवा कर कोड को यहां पर अपलोड करवा लिया। अब जो कोड हमारे पास आया क्या गारंटी है कि हमारे कंपनी का डेवलपर सोर्स कोड अपने से लिखा है, हो सकता है किसी का कॉपीराइट्स कर लिया है ना, तो कॉपीराइट्स अगर किया है तो हमारी कंपनी को, हम लोगों को आगे चल के दिक्कत आएगी, कोई लीगल एक्शन ले सकता है हमारे को, तो हम क्या करेंगे, जो कोड हमने कलेक्ट किया है उसकी पहले टेस्टिंग करेंगे, सोर्स कोड की टेस्टिंग, उसका सिंटैक्स, उसका कॉपीराइट्स तो नहीं, जस्ट काइंड ऑफ। तो हमने अब टेस्टिंग करने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, तो आप ऐसा करो कि इसके ऊपर बैठ के टेस्टिंग कर लो, लेकिन कंपनी के अंदर क्या होता है, एक सर्वर पे जब एक प्रोसेस चल रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसके ऊपर नहीं चलाते, भाई लोड आ जाएगा, है कि नहीं। तो कंपनी, हम लोगों ने क्या किया, नेहरू प्लेस पे गए, एक और सर्वर खरीदा और इस सर्वर के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, और हम लोगों ने क्या किया, अपने कोड को यहां से यहां लेके आया और यहां पे बैठ के टेस्टिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, और हमने इस सर्वर को एक नाम दे दिया दिस इज अवर सोर्स कोड टेस्ट सर्वर। अब सोर्स कोड टेस्ट किससे करवाएंगे, दो डेवलपर्स में किसी एक को बैठा लिया या तीसरा हायर कर लिया, चल भाई तू टेस्टिंग कर दे, डेवलपर ही तो करेगा ना, या अलग से एक्सपीरियंस डेवलपर को हायर कर लिया, चल भाई तू सोर्स कोड की टेस्टिंग कर दे, वो सोर्स कोड की टेस्टिंग कर रहा है, समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे। चलो सोर्स कोड की टेस्टिंग हो गई, अब अगला प्रोसेस क्या करेंगे, अब आएगी कंपाइलिंग करना, जब कंपाइलिंग हो जाएगा तब जाकर सॉफ्टवेयर बनेगा। तो कंपाइलिंग करने के लिए भी हमने क्या किया, नेहरू प्लेस एक और सर्वर खरीदा, राइट, इस पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला और यहां पे बैठ के कंपाइलिंग का हम प्रोसेस कर रहे हैं। तो जब कंपाइलिंग हो जाता है तब जाकर हमारा सोर्स कोड कंपाइल होने के बाद तब जाके .exe में ये कन्वर्ट होता है, .rpm में कन्वर्ट होता है, .msi में कन्वर्ट होता है, n नंबर ऑफ एक्सटेंशन है मार्केट में सॉफ्टवेयर के। तो कंपाइलिंग के बाद ही कंप्लीटली सॉफ्टवेयर बनता है। अब हमने सॉफ्टवेयर बना लिया जो भी बना रहे थे, है ना, और हमने इसको क्या बोला, दिस इज अवर बिल्ड सर्वर, क्या बोला सर, ये हमारा बिल्ड सर्वर। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, क्या हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया अब डायरेक्ट मार्केट में सेल कर देंगे,
क्या BMW नाम की कंपनी अगर एक कार की नया सीरीज निकाले, क्या वो डायरेक्ट एजेंसी में लाके खड़ा कर देगा? नहीं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट किया जाएगा। अगर मान लो खड़ा कर दे तो क्या होगा, पता लगा एक कस्टमर ने खरीदा और आधे रास्ते पे पहुंचा स्टेयरिंग खुल गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, आत्म मर गया। क्यों? BMW की कंपनी ने क्वालिटी टेस्ट नहीं किया। BMW छोड़ दो यार, मैं कहता हूँ सड़क में एक आदमी समोसा बना रहा है और समोसा बेच रहा है, अगर वो समोसा बनाने के बाद वो सीधे कस्टमर के प्लेट पे रख दे और नमक नहीं था या मिर्ची ज्यादा था, तो दोबारा वो कस्टमर आएगा उसके पास? नहीं। क्यों? समोसे वाले ने उसकी क्वालिटी टेस्ट नहीं की बनाने के बाद। तो आप हर एक पर्सनल लाइफ में देखो तो कोई भी चीज हम करते हैं उसकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं। समोसा बनाया, खा के देख भाई अच्छा है कि नहीं। इसका मतलब आप भी इसने सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को टेस्ट करोगे, बिना क्वालिटी टेस्ट किए नहीं बेच सकते। मान लीजिए अगर हमने क्वालिटी टेस्ट नहीं किया, मार्केट में सेल कर दिया, हो सकता है कोई बंदा हमने फोन पे जैसा कुछ एप्लीकेशन बनाया था, उसने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया, अपना बैंक अकाउंट लिंक किया, हैक हो गया। या हो सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर था कि अपने सिस्टम में आपने इंस्टॉल किया, रैम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, अपने हटाया, रैम बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, मतलब क्वालिटी टेस्ट क्वालिटी ठीक नहीं है उसकी। तो अगर आपने डायरेक्ट सेल कर दिया और कुछ दिक्कत थी सॉफ्टवेयर में, तो नेगेटिव फीडबैक आएगा और नेगेटिव फीडबैक आपका फ्यूचर मार्केट खराब करेगा। इसका मतलब आप भी पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को टेस्ट करेंगे। तो आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे टेस्ट किया जाए, है ना, BMW कार बनाए तो कैसे टेस्ट करें? खुद एक आदमी को बैठाए, बोले चला के देख भाई। तो इसका मतलब आप सॉफ्टवेयर कहां इंस्टॉल होता है? सिस्टम पे, मोबाइल पे। तो आप भी अपने पास कुछ सिस्टम रखेंगे, कुछ मोबाइल रखेंगे, उनमें इंस्टॉल करके देखेंगे। तो अब हमने क्या किया, नेहरू प्लेस गए और नेहरू प्लेस से हमने कुछ सिस्टम खरीद के ले आया, हमने अब सिस्टम के ऊपर, अब एक सिस्टम के ऊपर विंडो 10 डाला, एक पे XP डाला, 7 डाला, क्योंकि जब कोई एक सॉफ्टवेयर बनता है तो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बनता है। VLC मीडिया प्लेयर बना है तो उसमें मैक में भी इंस्टॉल होता है और विंडो 10 में भी होता है, XP में भी होता है, लिनक्स में भी होता है, सब में होता है। तो हमने यहाँ पे कुछ सिस्टम खरीदा, एक में विंडो डाला, एक में 7, XP, मैक, और हमने इन सॉफ्टवेयर को सब में इंस्टॉल किया। और इंस्टॉल करके कुछ बंदे हायर कर लिए, बोले भाई टेस्टिंग करना। क्या टेस्टिंग करना? चेक करना रैम तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा, CPU तो बहुत ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर रहा, और रिपोर्ट बता देना हमें बस। तो मान लीजिए सॉफ्टवेयर को इस पे इंस्टॉल करके क्वालिटी टेस्ट की गई, क्वालिटी की टीम ने बोला सर ये सॉफ्टवेयर जो बना ना अपनी जरूरत से ज्यादा रैम को यूटिलाइज कर रहा। हम लोग मालिक थे, हमें पता लगा भाई तो बेकार है, इसको सेल नहीं किया जाएगा। तो हमने अपने डेवलपर को पकड़ा, बोला भाई ये बग है, इसको सही कर। अब डेवलपर फिर कोड को दोबारा से सही करेगा। डेवलपर क्या करेगा? कोड को दोबारा से सही करने की कोशिश करेगा। उसने फिर राइट किया, फिर अपलोड किया, फिर उसकी टेस्टिंग हुई, फिर कंपाइलिंग हुई, फिर अपलोड किया गया, फिर क्वालिटी टेस्ट की गई। और जब तक क्वालिटी टेस्ट के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ जाता, तब तक हम उसको आगे नहीं लेके जाएंगे कोई भी कंपनी। ये सिर्फ मैं सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी के साथ रिलेट नहीं कर रहा हूं इस चीजों को, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता था। मैं रिलायंस में काम करता था, वहां पे बिजली बनता था, हमारी रिलायंस भी बिजली को ऐसे सेल नहीं करती थी। बिजली को भी पावर ग्रिड को देने से पहले हम लोग अपना जनरेटर लगा के वहां टेस्टिंग करते थे। और मान लीजिए टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट, आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट ने जो सॉफ्टवेयर बनाया वो नहीं करता? वो बिल्कुल करता, सब लोग करते हैं। तो अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आया, अब बात किया जाएगा चलो सेल कर दो। अब सेल कैसे करेंगे? आपने कभी देखा है सॉफ्टवेयर सड़क पे बिकता हुआ, किसी दुकान में बिकता हुआ देखा कभी? नहीं। क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाइए, वहां से उनका इमेज उठाइए, लाइसेंस नंबर भी ले लीजिए, रेडिट के वेबसाइट पे जाइए, वहां से ओरिजिनल उठाइए, लाइसेंस नंबर भी ले लीजिए, SAP उठाइए, SAP इंस्टॉल करिए, लाइसेंस नंबर ले लीजिए, ऑनलाइन भी कराना, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने ऑनलाइन पे स्टोर रखा, मतलब किसी कंप्यूटर के ऊपर स्टोर होगा। तो हम लोग भी अब क्या करेंगे, हमने नेहरू प्लेस पे गए और कुछ सर्वर हमने यहाँ पे खरीदा और इन सर्वर के ऊपर हमने अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर दिया, लाके स्टोर कर दिया। क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। और ये वाला एनवायरनमेंट
हमने क्या बोला, ये वाला जो एनवायरमेंट था, ये वाला एनवायरमेंट हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये रहा इंटरनेट, और हमारे कस्टमर ये बैठे हुए हैं, ये हमारे कस्टमर है, ये हमारे कस्टमर है, ये हमारे कस्टमर है, ये हमारे कस्टमर है, ये कस्टमर वाया इंटरनेट आते हैं, वाया इंटरनेट के थ्रू हमारे पास आते हैं और हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर को पिक करके ले जाते हैं। हमने वैसी पॉलिसी लगाई है 30 डेज के लिए सॉफ्टवेयर फ्री है, उसके बाद पे करिए, तो कस्टमर को पसंद आता है तो पे करता है, अब जाकर हम मालिक है तो हमारा गोल अचीव है, राइट। हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ये प्रोसेस यूज करते हैं और हमने बोला दिस इज अवर स्टेजिंग एनवायरमेंट, हमने इसको बोला ये हमारा स्टेजिंग एनवायरमेंट है, जिसको आप प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट बोलते हो, प्रोडक्शन से पहले, ये हो गया आपका प्रोडक्शन एनवायरमेंट। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर, क्लियर। अब कई कंपनी पता है ऐसे भी मिलेगी, इधर देखिए, कई कंपनी क्या ऐसे मिलेगी, डेवलपर के सिस्टम पे ही कोड लिखवाएगी, उसको बोलेगी तू वहीं टेस्ट कर ले, सब कुछ तू वहीं कर ले, सीधे प्रोडक्शन में डाल देगी, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे। एक लेयर को लेके चलोगे तो अच्छा रहता है ना। आजकल आप मेट्रो पे जाइए तो 3-3 बार चेकिंग हो रही है, 3-3 आर्मी का बंदा चेक कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसको पता है जितनी लेयर बढ़ेंगे ना उतनी सिक्योरिटी होती है। एक आदमी को बोल दो कि इसको 5 मिनट चेक करना, नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं पे 3 आदमी खड़ा कर दो, सिक्योरिटी कम मिलती है जब आप लेयर बढ़ाते हो। तो ऐसे ही कहा जाता है कि लेयर जितनी रखोगे उतना रिलायबल होगा आपको, ठीक है। मान लीजिए हमने सॉफ्टवेयर बन गया, अब हमारा गोल अचीव हो गया, लेकिन हमारे पास जो अभी कस्टमर थे ना वो 500 कस्टमर थे, तो 500 कस्टमर के हिसाब से हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर, ये जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में 5 सर्वर हैं, प्री प्रोडक्शन में 5 सर्वर हैं, इधर 3, मतलब तो टोटल 20 सर्वर में हमारा काम चल रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं कल को बोलूं कि हमारे पास 5,000 मिलियन कस्टमर है हमारे पास, जैसे गूगल के पास हो गया, फेसबुक के पास हो गया, रेड हैट के पास है, अमेजोन के पास है, माइक्रोसॉफ्ट के पास, इतने कस्टमर आ गए 5,000 मिलियन, अब क्या करोगे, क्या 5 सर्वर से काम चलेगा, नहीं चलेगा, है कि नहीं। अगर एक समोसे वाला समोसा बेच रहा है, अगर उसके पास दिन भर में 100 कस्टमर आते हैं तो एक ठेला लगाएगा, लेकिन 200 आए तो क्या करेगा, बढ़ाएगा ना। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर, है कि नहीं। तो यहां पर भी क्या करना पड़ेगा सर, आपको प्रोडक्शन एनवायरमेंट में सर्वर की कैप को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि हमने सर्वर इंक्रीज करने के बाद हमने प्रोडक्शन एनवायरमेंट में 10,000 सर्वर लगा दिया, कितने लगा दिए सर, 10,000 सर्वर हमें लगाने पड़ गए। हो सकता है प्री प्रोडक्शन एनवायरमेंट में हमें 5,000 सर्वर लगाना पड़ गया, हो सकता है कि अब 2 डेवलपर से काम नहीं हो रहा, हो सकता है कि हमें यहां पर 400 डेवलपर हायर करने पड़ेंगे अपने ही प्रोडक्ट के लिए। तो जब 400 डेवलपर एक साथ डेव सर्वर पे कोड को अपलोड करेंगे तो डेव सर्वर क्या बोलेगा, भाई साहब मेरे को तो 2 लोगों के लिए बनाया गया था, अभी 400 आ रहे हैं, मेरी औकात नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको डेव सर्वर की कैपेसिटी आपने 400 कर दी या आपने 50 कर दी, चलो आपने 50 डेव सर्वर लगा दिया, अब पता लगता है सोर्स कोड की टेस्टिंग भी बड़े लेवल पे हो रही है, 50 सोर्स कोड टेस्ट सर्वर हो गए, 50 आपके पास कंपाइलिंग सर्वर हो गए, तो टोटल कितने सर्वर हो गए सर आपके पास, 15,150 सर्वर हो गए आपके पास, ठीक है। अब सवाल आता है कि 15,150 सर्वर आपने लगा लिया, पहले आपके पास 15 सर्वर थे तो हम लोगों ने खुद ही बंदे रख लिए थे, उन्हीं से काम करवा लेते थे, लेकिन जब आपके पास 15,150 सर्वर हो गए तो 15,150 सर्वर को मैनेज करने के लिए मैन पावर भी चाहिए, मतलब जो डेव सर्वर के लिए जो सिस्टम एडमिन रखा था ना वो एक से काम नहीं होगा, और चाहिए। डेवलपमेंट में 10,000 सर्वर है उनको मैनेज करने के लिए और चाहिए, 10,000 सर्वर पे लिनक्स पड़ा हुआ है, लिनक्स का बंदा चाहिए सर आपको। एक दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो खुद ही हायर कर लो, लेकिन खुद हायर नहीं कर रहे आजकल, क्यों, सारा खुद हायर करेंगे तो उसका मेडिकल अलाउंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा, उसका हाउस रेंट अलाउंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा,
उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, ऑफिस के टाइम पे कुछ हो जाए पूरा सब कुछ होगा। कंपनी ने गेम खेला, क्या बोला हटाना यार कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं इन कामों को, तो अब कॉन्ट्रैक्ट में किसको दोगे, उन्हीं को दोगे जो एक काम करता है। तो अब वो कौन है कॉन्ट्रैक्टर, जिसको आप हिंदी में ठेकेदार बोलते हो, मैं कहता हूं SCL, विप्रो, TCS। वो कहता है मेरी तो रोजी रोटी पानी ऐसी चल रही है, ऐसे लोगों को सपोर्ट देंगे। समझ आ रही है मेरी बात? यहां पर हमने क्या किया, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढने निकल गए, SCL, TCS, विप्रो, इंफोसिस, भूखा बैठा है। वो तो कहता मैं यही करता हूं, बताइए क्या मैनेज करना, केबल लगवाना है बिल्कुल लगवा दूंगा, बताइए रैक कहीं पे, राउटर कहीं माउंट करवाना है लगवा दूंगा। अब पता लगा सारे एक साथ आ गए, अब किसको दे कॉन्ट्रैक्ट, आपने बोला कोटेशन ला भाई, तो क्या ला कोटेशन, SCL ने अपना कोटेशन भेजा अपना सर्विस एग्रीमेंट के साथ, TCS ने अपना कोटेशन भेजा अपनी एग्रीमेंट के साथ। अब SCL का कोटेशन आया, उसमें बोलता है कि मैं 24/7 सपोर्ट दूंगा, लेकिन मेरा जो रिस्पांस टाइम है वो मिनिमम 1 आवर है। विप्रो का रिस्पांस टाइम कोटेशन में रिस्पांस टाइम क्या लिखा है, मैं 30 मिनट्स में रिस्पांस दूंगा, इंफोसिस का लिखा है 15 मिनट्स, एक्सेंचर का लिखा है 5 मिनट्स। आपने मैच किया लो बजट, कोटेशन का प्राइस लो, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम जो मैच कर गया, हम लोगों ने मिलके क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। हम लोगों ने SCL नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मैनेज कर। SCL क्या करेगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट मैनेज करेगा, 10,000 सर्वर उसको देखने, क्या देखने, 10,000 सर्वर 24/7 चलने चाहिए, 10,000 सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन टाइम भी आने चाहिए। अब 10,000 सर्वर में 8,000 सर्वर पे लिनक्स, 8,000 सर्वर पे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, 2,000 पे विंडोज है। अब SCL क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय हायर करेगा, तो 8,000 सर्वर पे लिनक्स है तो उसने 8,000 सर्वर को मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉय लिया है, उसने हायर कर लिया 20 बंदे इस प्रोजेक्ट के लिए। आप लिनक्स देखिए, 5 बंदे हायर कर लिए विंडोज के लिए, मतलब टोटल 25 बंदे के साथ वो हमारे इस काम को कर रहा है। समझ आ रही है? तो SCL के पेरोल पे जो बंदा ज्वाइन किया ना, वो अपने आप को क्या फील कर रहा है, उसको सिर्फ एक ही चीज पता, लिनक्स लिनक्स विंडोज विंडोज विंडोज, उसको ये नहीं पता कि जॉब किसकी वजह से टिकी हुई है मेरी। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने स्टेजिंग एनवायरनमेंट विप्रो को दे दिया कॉन्ट्रैक्टर। हमने बोला यार एक सारा ना SCL को मत दो, नहीं तो डिपेंडेंट हो जाते हैं फिर हम, वो क्लाइंट भी साला उसका भी भाव बढ़ जाता है। आप किसी बड़ी कंपनी में जाइए, उसका एनवायरनमेंट एक ही कंपनी नहीं मैनेज करती, कई लोग होते हैं, कई वेंडर्स होते हैं। तो आपने क्या किया, विप्रो को दे दिया आपने स्टेजिंग एनवायरनमेंट, पता लगा ऊपर वाला आपने यहाँ पर दे दिया TCS को। अब पता लगता है कि 15,000 सर्वर की नेटवर्किंग भी तो करनी है ना सर, 15,000 सर्वर आपस में कनेक्ट होंगे तो कितने स्विच चाहिए, कितने राउटर चाहिए, उस पर फायरवॉल लगाने। तो पता लगा कि अच्छा नेटवर्क किसको दिया जाए, ये लोग तो सर्वर देख रहे हैं, हमने बोला IBM को दे दो नेटवर्क। मतलब पूरा का पूरा खेल कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है। तो अब IBM के पेरोल पे बंदा जो रहता है वो IBM के काम देख रहा है, IBM की तरफ से आपके लिए काम कर रहा है। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, हम लोगों को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ी? अगर कोई बंदा आके बोले कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सब कुछ नहीं चाहिए, हम लोग रखेंगे? हमारा प्लान क्या था, पैसा कमाना, पैसा कमाने के लिए हमने ये ऑप्शन चूज किया, और इस काम को करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ी तो लेना पड़ा। अगर कोई बोले कि नहीं चाहिए, बिना इसके काम हो जाए तो नहीं लेंगे, है ना? लेकिन SCL में जो कमदा जॉब कर रहा है वो क्या फील करता, साला मेरी वजह से तो ये चल रहा है। IBM में जो बंदा जो वो कह रहा है मेरी, ऐसा कुछ नहीं है, जहां ऊपर से गाज गिरा ना तो सब ऐसे ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको प्रोसेस मैनेजमेंट नहीं पता। मैं कहता हूं आज इंडिया के अंदर हर एक आदमी देश की सुरक्षा करने लगे ना, आर्मी की वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों ऐसा समझ रहा था वो? क्योंकि उसको प्रोसेस मैनेजमेंट, उससे क्या लगता है कि लिनक्स
विंडोज नेटवर्किंग नहीं सर, इन सब चीजों की जरूरत क्यों हो रही है, वो चीज पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो अब क्या हुआ, आप इसी के शिकार में फंस भी गए आप इस शिकार में। कैसे फंसे पता है, मार्केट में आ गया अमेज़न, मार्केट में आ गया माइक्रोसॉफ्ट, गेम खेल रहे इन्होंने। क्या गेम खेला अमेज़न ने, इन्होंने बोला यार, बहुत सारे लोग हो रहे हैं सॉफ्टवेयर बनाने वाले, उन्होंने बोला यार ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियों को ना ये हार्डवेयर फार्डवेयर चाहिए होता है, इन लोगों ना ये SCL छोटे मोटे कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं यार, है ना, ये IBM 5M के हार्डवेयर खरीदते हैं, परेशान रहते हैं, हर 2-3 साल में रिप्लेस करना पड़ता है। अब अमेज़न ने क्या गेम खेला, वो हर कंट्री में, बड़ी बड़ी कंट्रियों में जहां पे फेमस कंट्री है वहां पे जाके अपना बड़ा बड़ा डेटा सेंटर लगा दिया। अब डेटा सेंटर लगाकर ऐसी कंपनियों के पास पहुंचा जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे हमारे पास पहुंच गया उसने, हमसे बोला अमेज़न ने अपनी बिजनेस टीम को भेजा, बिजनेस टीम आज भी US में जाती है और मीटिंग करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ, और उनके साथ मीटिंग किया गया, भाई आप लोग क्या करते हो, हम लोगों ने बोला हम तो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, क्या सॉफ्टवेयर, फलाना व्हाट्सएप बनाते हैं, ये बता दिया हमने, क्या प्रॉफिट होता है, 50 करोड़ का प्रॉफिट होता है, इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, हम लोगों ने बोला 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 करोड़ रुपए हमें प्रॉफिट होता है। अमेज़न का बिजनेस टीम हंस लिया, बोला 50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं 25 करोड़ इन्वेस्टमेंट में आपका काम करवा दूंगा। तो जब सवाल आया कि 25 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट में उन्होंने बोला कि हम आपका काम करवा देंगे, तो एक एक्साइटमेंट आएगा कि नहीं आएगा मालिक के अंदर, बता सीधे 25 करोड़ रुपए बचा रहा है कंपनी का और पैसा ही सब कुछ होता है, जो कॉस्ट बताते वही राजा है कंपनी के अंदर, है कि नहीं। तो पूछे हमने, बता भाई कैसे करवाया, कि अमेज़न के बिजनेस टीम ने बोला कि हम लोगों ने बड़ा बड़ा डेटा सेंटर बनाया है और ये वर्चुअली है, आप ये जो हार्डवेयर फार्डवेयर जो दुकान से खरीदते थे ना ये हमसे ले लीजिए, हमसे आप लेंगे तो हम आपसे कूलिंग सिस्टम का पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे बिल्डिंग का रेंट का पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे मेंटेनेंस का पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लेंगे, हमें सिर्फ आप सर्वर के यूज का पैसा देते ना, जितने घंटे यूज करोगे। हमने उसका रेशियो निकाला तो सही में 25 करोड़ पे काम होना था, लेकिन एक कंडीशन हमारे पास आ गई थी। क्या कंडीशन यार, हमने लास्ट ईयर ही ना 50 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया तो हम अभी नहीं जा सकते, क्योंकि भाई अभी हमने हार्डवेयर लगाया, अगर हम अभी चले गए 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद, अगर हम कल चले गए तो हमारे लिए तो लॉस है। मैं कहता हूं अगर आपका घर दिल्ली में है तो आपको कोई 5,000 में भी फ्लैट देना आपके लिए तो घाटा है, गलत बोल रहा हूँ क्या, अगर आपका घर दिल्ली में खुद का है तो कोई 2,000 में भी फ्लैट दे वो भी घाटा, लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पर कंपनी के साथ ये हुआ कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना वो एक्सपायर होने वाला था, मतलब हर एक हार्डवेयर की एक लाइफ होती है, 5 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, 6 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है, अब मान लो एक्सपायर होने वाला है, अब क्या करोगे। तो ठीक है एक्सपायर होने वाला था तो हमने डिसीजन लिया कि चलो चलते हैं, प्रॉफिट हो रहा है भाई। तो अब सवाल आया कि क्लाउड वहां पे जाके अपना डेटा सेंटर लगाएंगे तो हमें प्रॉफिट है, है कि नहीं। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया, अब बात आती है हम लोगों को ये भी तो सोचना है ना, हमारे वेंडर का करियर क्या होगा, कौन सा वेंडर SCL विप्रो TCS इनका क्या सोचे, होगा कि नहीं होगा। तो मैं कहता हूं 15,150 सर्वर आपने क्लाउड में जाके लगा दिया, कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो मैटर नहीं करता है, लेकिन 15,500 सर्वर तो आज भी लगाने पड़े, मतलब उनको वहां पे भी नेटवर्किंग करना पड़ेगा, वहां पर भी मॉनिटरिंग करना, सब कुछ करना है, तो मतलब टीम तो आज भी चाहिए। हमने SCL विप्रो TCS को कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया था, यही मैन पावर के तो कॉन्ट्रैक्ट दिए थे ना, डेली बेसिस के जॉब के कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, इसका मतलब साफ बात है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं हटाएंगे, भाई बंदे तो चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्ट क्यों हटाना, नहीं हटाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि SCL विप्रो TCS जो अपने बंदे हायर किया है ना, वो बंदों को तो ऑन प्रेमिसेस में काम करने का एक्सपीरियंस है, क्लाउड तो एक नया प्लेटफॉर्म उनके लिए हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अपने वेंडर को ना एक ईमेल ठोक दिया, क्या ईमेल ठोक दिया कि भाई हमारा एनवायरनमेंट नेक्स्ट ईयर तक क्लाउड पे जा रहा है, आपके पास जो मैन पावर है उनको ट्रेनिंग दे दो आप, या फिर अपनी नई टीम ने क्या रहा, नहीं तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट हटा देंगे। SCL बोला यार ये क्या हो गया, विप्रो बोला ये क्या हो गया साला, अब तो कॉन्ट्रैक्ट चला जाएगा हाथ से, 10 करोड़ रुपए आ रहे थे। SCL ने भी गेम खेला, मुझे भी तो बंदों के साथ ही गेम खेलना है, क्या गेम खेला, एक बार से ट्रेनर बुलाया, उस प्रोजेक्ट में जो बंदे थे उनको एक हफ्ते की ट्रेनिंग कर ली है बंदे,
नहीं था पैसा एससीएल के पास, बोला बाहर से करके आ जा नहीं तो मैं दूसरे हायर कर लूंगा। वो बाहर वाले कौन है? हम लोग हैं। हम लोग परेशान लगी क्या हो गया भाई, है ना? और ज्यादा गेम खेलना था तो एससीएल ने क्या किया, नई वैकेंसी डाल दी कि ये बंदे निकलेंगे, क्लाउड के बंदे आएंगे। और आपको क्या लगता है, एससीएल एडब्ल्यूसी यूज करने लगा, विप्रो एडब्ल्यूसी यूज करने लगा, एससीएल लाया क्या? कहां से चेंज हुआ जॉब? ऊपर से, सब ऊपर से हो रहा है। और हम किस मुगालते में फंसे हुए थे? क्यों? हमें प्रोसेस नहीं पता था। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो अब क्या हुआ कि हमें कॉन्ट्रैक्ट आज भी नहीं हटाना। आज भी बंदे एससीएल पे काम कर रहे हैं, आज भी बंदे एससीएल को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया, लेकिन एससीएल कंपनी के जो बंदे हैं वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी देख रहे हैं, मॉनिटरिंग देख रहे हैं, मैनेजमेंट देख रहे हैं, प्रोसेस बैकअप मैनेजमेंट देख रहे हैं, बट क्लाउड पे देख रहे हैं। तो ले दे के सवाल ये आता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने अपनी सॉल्व कर ली। तो क्या हमें प्रॉब्लम होता हर 5 साल के बाद इंफ्रा को रिप्लेस करना है, है ना? एससीएल से ईमेल आ गया कि प्रोडक्शन के 4 सर्वर जल गए, है ना, 6 लाख का कोटेशन भेजा उन्होंने अप्रूव करना है। तो हम लोगों ने अपनी सर जो सर पे हेडक थी उसको खत्म कर लिया। किसकी वजह से? क्लाउड। भाई काम से मतलब है ना, समझ आ गई मेरी बच्चा पर? तो इस तरीके से 75% कंपनियां जो हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहां जा रही हैं? क्लाउड। अब मैं पूछना चाहता हूं कि 25% मैंने 100% क्यों नहीं लिखा? मैं पूछना चाहता हूं कि मैंने 100% क्यों नहीं लिखा? तो इसका आंसर आप लोग एक एक करके देंगे कि कौन सी कंपनी है जो क्लाउड पे नहीं जाती इंफ्रा को लगाने। फिर मैं आपको बताऊंगा एक्चुअल में रीजन क्या है जो क्लाउड पे नहीं जाते। आप बोलिए सर। पहले कौन कंपनी है जो क्लाउड पे मना करती है, हम नहीं ले जाएंगे क्लाउड पे, हम अपने बिल्डिंग के अंदर ही डेटा सेंटर रखेंगे? जिसका डाटा थोड़ा ज्यादा सिक्योर हो, जिसका डाटा थोड़ा ज्यादा सिक्योर हो, वो ज्यादा पब्लिक नहीं करना चाहते। अच्छा, इसलिए वो क्लाउड पे नहीं जाना चाहते। चलो ठीक है, आप बताइए सर। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर नहीं जाएगी। प्राइवेट क्लाउड, मैं आपको 10 बैंक गिना देता हूँ क्लाउड पे बैठे हुए अभी। आप बताओ सर। रेलवे सेक्टर नहीं जाएगी। इनको पता है, आप बताइए। पहली बात तो वो कंपनी में जाएगी जिसको माइंड में ये बात आता है कि क्लाउड इज नॉट सिक्योर। दूसरी चीज वो कंपनी में जाएगी जिसका सेटअप उतना बड़ा ही नहीं है, जैसे कोई कंपनी है छोटा मोटा वेबसाइट। कौन? पीवीआर का, दिल्ली एनसीआर में जो पीवीआर है ना, पीवीआर का पूरा डेटा सेंटर एडब्ल्यूएस पे लगा हुआ है। छोटे की बात कर रहे हो आप, उसका ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा है, वो नहीं जाएगी। ट्रांजेक्शन हिट रेशियो बहुत ज्यादा होगा, वो नहीं जाएगी। वो जाएगी बट जाने के लिए 25% में कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी सर। तो जो अपना डेटा इनको भ्रम है सर कि वहां क्लाउड पे डाटा तो सिक्योर है यार, वो सिक्योर वाला तो आंसर मेरा गलत है, वो तो मेरा खाली पास करने ऑनलाइन। जी सर। कौन सी कंपनी क्लाउड पे नहीं जाती है? सर कंपनी मोस्टली कंपनी है जो क्लाउड पे नहीं जाती क्योंकि वो अपना जो डेटा होती है वो दूसरे जगह स्टोर करना सही नहीं समझती। क्यों? क्लाउड तो ये भी बोलता है कि अपने घर पे वो क्या तिजोरी में डेटा रख लो तब भी काम हो जाएगा। बहुत सी है, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ एयरटेल में भी अभी कंप्लीट क्लाउड पे नहीं है। तो क्या पूरे वर्ल्ड में एयरटेल बस है? नहीं, एयरटेल भी है, सेंसर का खुद का डेटा सेंटर है। सर क्लाउड पे तो ऐसा नहीं है कि कंपनी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर उसको अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह, मतलब कोई प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है तो अगर उसको सेल करना है अपना प्रोडक्ट तो क्लाउड पे तो जाएगी ही जाएगी। बट ऑब्वियस है, देखो जो भी आप लोगों के दिमाग में है
है ना, वो एक जेन्युइन आंसर नहीं है कि क्लाउड पे क्यों नहीं जा रही है। जो लोग कहते हैं सिक्योर नहीं हो तो कह रहे हैं, मैं तो कहता हूं गलत है। सिक्योरिटी अगर आप सच में चाहते हो ना, तो मैं कहता हूं इंटरनेट ही मत चलाओ, तो ही आप सिक्योर। अब मैं SBI बैंक गया तो पता लगता है उसके सिस्टम में इंटरनेट चला, भाई कहां का सिक्योर है तू बता ना मुझे। तूने लेयर्स लगाए होंगे ना सिक्योरिटी करने के लिए, सिक्योरिटी के कंप्लायंस फायरवॉल लगाए होंगे ना। इंटरनेट आ गया इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो जहां से इंटरनेट आया वो कहां है, पब्लिक ही है, तो हैकर भी तो आ सकता है। सिक्योरिटी का मतलब होता है इंटरनेट ही मत चलाइए। अब मैं आपको बताता हूं कि 25% कौन सी कंपनी है जो क्लाउड पे नहीं जाती। पहली बात तो जो खुद अपने आप में क्लाउड प्रोवाइडर बनना चाहते हैं वो नहीं जाते, जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट गूगल, वो कहते हैं यार मैं खुद ही बिजनेस कर रहा हूं, मैं क्यों किसी को उसमें जाऊं। दूसरी चीज जो सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं क्लाउड पे नहीं जाने का, मार्केट में कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे SCL, विप्रो, TCS, इंफोसिस, एक्सेंचर, NIC, इनके पास जो क्लाइंट है ना वो नॉन टेक्निकल बैठे हैं। जैसे NIC की बात करो तो NIC जो है वो इंडियन रेलवे का पूरा डेटा सेंटर मैनेज करते हैं। इंडियन रेलवे छोड़ दीजिए, इंडिया का पूरा डेटा सेंटर मैनेज करते है ना। तो NIC इंडियन गवर्नमेंट के रेलवे का और पूरा का बैंकिंग सेक्टर भी देख रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कौन है, टेक्निकल है नॉन टेक्निकल है? नॉन टेक्निकल। तो NIC कभी सोल्यूशन नहीं देता इंडियन गवर्नमेंट को कि आप क्लाउड पे चलिए। क्यों नहीं देता, रीजन बताता हूं। अगर NIC इंडियन गवर्नमेंट को बोले कि आपका नॉर्थ ईस्ट का जो रेलवे का डेटा सेंटर है ना उसको मैनेज करने के लिए 5,000 मैन पावर चाहिए, ये कोटेशन है, इसको अप्रूव करिए, करेगा कि नहीं करेगा? तो मैं कहता हूं NIC ने इंडियन गवर्नमेंट से पर मैन पावर पे 80,000 का पेमेंट लिया और जो हायर किया उसको 35,000 दे रहा है, तो NIC को प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ साइड से? कल को NIC इंडियन गवर्नमेंट को बोलता है कि आपका ये जो रेलवे का डेटा सेंटर में जो हार्डवेयर है ना रिप्लेस करना पड़ेगा नहीं तो फट जाएगा, अप्रूव करिए कोटेशन 20 करोड़ का, करेगा नहीं करेगा? उससे NIC की कमाई होगी कि नहीं होगी? तो NIC जाने ही नहीं देगा उसको। NIC क्या बोलेगा पता है, जो AWS देता है ना मैं बड़ी बिल्डिंग में वो वर्चुअली लगाकर ये लो मैंने नाम दे दिया मेघराज क्लाउड। यही काम करता है इरेक्शन, यही काम कर रहा है इरेक्शन सर। इरेक्शन की जो क्लाइंट्स है नॉन टेक्निकल है। इरेक्शन तो कहता है कि कहां जाओगे क्लाउड में, क्लाउड में मिलता है क्या, वर्चुअलाइज मिलती है ना। मैं आप इरेक्शन क्या बोलता है, अच्छा वर्चुअलाइज चीजें मिलती है ना, कहता है आपका जो डेटा सेंटर है ना, क्लाइंट को कहता है वो जो फिजिकल है ना मैं इसके ऊपर ना VMware OpenStack डाल के वर्चुअल बनाकर लो मैं आपको ना क्लाउड की तरह दे रहा हूं। और बोला क्या इरेक्शन क्लाउड, क्लाइंट को ना गुमराह कर रहे हैं लोग अपनी रोटी सेकने के लिए। उतनी कमाई थोड़ी होगी अगर NIC लगवा देगा डेटा सेंटर क्लाउड AWS पे तो, क्योंकि भाई लीगल एक्शन, लीगल के साथ बिलिंग निकाल के देनी पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात आपसे? तो नॉन टेक्निकल जो अब क्या है कि नॉन टेक्निकल क्लाइंट्स विश्वास उन्हीं के साथ करते हैं जिसके साथ लॉन्ग टाइम से बने हुए हैं। तो एक ये रीजन है। अब सवाल पता है यहाँ पर क्या होता है, इरेक्शन ने चलो साउथ अफ्रीका में अपने क्लाइंट के लिए फिजिकल डेटा सेंटर के ऊपर वर्चुअल लेयर खड़ा करके OpenStack डाल के एक लोकल क्लाउड बनाकर दे भी दिया, लेकिन अब क्लाइंट बोलता है कि मैं सिंगापुर जा रहा हूं, तो इरेक्शन क्या बोलता है पता है, गिव मी 6 मंथ, 6 महीने का टाइम मांगा उसने। क्यों साला, तू सिंगापुर पे जाएगा अब लगाएगा तब देगा? लेकिन AWS वाला बोलता पहले से लगा हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर वाला बोलता पहले से लगा हुआ, तो कौन बेस्ट हुआ? यहां तक भी नहीं, अब देखो NIC और इरेक्शन क्या बोलता है। इरेक्शन कहता है एयरटेल के लिए ना मैंने ना नोएडा में एक बिल्डिंग है, गुड़गांव में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर मैं एयरटेल के लिए डेडिकेट लगा के दिया, उसमें सिर्फ एयरटेल का ही सर्वर होता है, फिजिकल पूरा एयरटेल का ही है, उसमें SBI वाले नहीं आते, उसमें ओला वाले नहीं आते, तो मतलब डेडिकेट है एयरटेल के लिए। कौन बोल रहा है, इरेक्शन बोल रहा है, किसको बोल रहा है, एयरटेल से बोल रहा है ना। NIC इंडियन गवर्नमेंट के रेलवे से क्या बोलता है कि मैं आपके लिए ना ये न्यू दिल्ली में एक बिल्डिंग के अंदर आपका डेटा सेंटर लगा, इसमें कोई नहीं आएगा, मतलब एक डेडिकेट वर्ल्ड लेवल पे खेल रहे हैं लोग, किस पे वर्ल्ड लेवल। अब AWS पता क्या बोलता है,
कहते बता तो कौन सा गवर्नमेंट है, कहाँ पे डेडिकेट लगाना, सब लगा के दूंगा। AWS ने जो अपना डेटा सेंटर मुंबई पे लगाया है इंडिया वालों के लिए, वहां पे आप भी जाते हो, मैं भी जाता हूँ, बैंक वाला भी चला जाता है, रेलवे वाला, सब लोग जा सकते हैं ना। हमारा बैंक, हमारा रेलवे क्यों नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। अगर हमारा रेलवे, हमारा इंडियन गवर्नमेंट अगर AWS को जाके बोले ना कि आपको मैं इंडिया गेट में ना एक जमीन दे रहा हूँ, उस जमीन में आके लिए मेरे, उस जमीन में मेरे लिए डेडिकेट लगा दीजिए जैसे NIC लगा के दिया, तो क्या कर सकते हो? AWS बोलता बिल्कुल करूंगा, वो भी करके देता है AWS वाला, तो बन गया ना डेडिकेट जो NIC प्रोवाइड कर रहा था। आप US की गवर्नमेंट के लिए ना AWS ने डेडिकेट लगा कर दिया जहां पे आप कोई और नहीं जा सकता। US की बैंकिंग के लिए AWS ने डेडिकेट लगा के दिया, चाइना कंट्री ने अपनी कंट्री के लिए डेडिकेट लगवाया AWS को बोल के, जहां पे आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता, जिसको बोलते हैं चाइना गवर्नमेंट डेटा सेंटर, US गवर्नमेंट डेटा सेंटर। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट अगर AWS को बोलती है कि भाई डेडिकेट लगाओ तो क्यों नहीं लगा के देगा? लेकिन सवाल ये आता है कि पता तो हो, पता ही नहीं है, वो जान ही नहीं दे रहा जिसके साथ आप बैठे हो। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर एक ये कारण है नहीं जाने का, राइट। दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, दूसरा कारण लोग डरते हैं कि साला हमारा डेटा सेंटर अपनी बिल्डिंग में लगा हुआ, सब बढ़िया चल रहा है, वहां चले गए तो मैनेज कैसे करवाएंगे? 15,150 सर्वर वहां लगा दिए, कैसे लगेगा, मैनेज कैसे होगा, कुछ दिक्कत आ गई, सेटअप बंद हो गया, क्लाइंट चिल्लाएगा, क्या होगा, कैसे होगा, डर बना हुआ है ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आज से अगर आप 20 साल पहले चले जाओ, आप किसी गांव में जाके अगर ये बात करते ना कि हम सड़क पे ना एक मशीन रखेंगे और ये रात को पैसा देगा, बोलते अगर 20 साल पहले, पागल है क्या, चलो कोई उठा ले जाएगा तेरा मशीन, आज ATM पैसा देता नहीं देता। 200 साल पहले अगर हम किसी से ये बात करते कि आदमी उड़ेगा, कोई विश्वास करता आज उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? मैं कहता हूं आज इंडिया में सर्वे करके देख लो, 60% आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आज भी बैंक में अकाउंट नहीं खुलवाते। क्यों नहीं खुलवाते पता है? पूछिए जरा क्यों नहीं खुलवाते? कहते बैंक वाला पैसा हैक कर ले, चोरी कर लेगा, पैसा देता नहीं है, 10,000 रखो तो 9,990 ही देता है ना, ATM कार्ड से कोई निकाल लिया पैसा तो बैंक क्या बोलता है? भाई रखिए, किसी को पासवर्ड मत दीजिए, फिंगरप्रिंट लगाइए, ATM कार्ड को संभाल के रखिए, नेट बैंकिंग संभाल के रखिए, कुछ नहीं होगा। हम लोग उस चीज को समझ रहे तो हम लोग चला लेते। अब वो गांव का रूलर आदमी पता क्या बोलता है? कहता है ये सब हमसे नहीं होने वाला। तो मैं कहता हूँ तू अगर अपना पासवर्ड संभाल के नहीं रख सकता, तू बैंक में खाता खुलवा के उसको संभाल के नहीं रख सकता, तो तू बैंक को क्यों गाली दे रहा है? वो बैंक को गाली देता है, कह रहा बैंक बेकार है, घर पे पैसा गाड़ के रख लो, सही है ना। समझ आ रही है मेरे पास? तो आज भी आपको ना इंडिया में ऐसी कंपनियां मिलेंगी जो कहेंगी क्लाउड पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? साला डेटा हैक हो जाएगा, सिक्योर नहीं है। तो जैसे ये नीतीश ने बोला कि मेरी एयरटेल नाम की कंपनी नहीं जाती, अब ये कंपनी जाएंगी भी नहीं और एम्प्लॉइज को भी बोल के रखेंगी मत जाइएगा। क्यों? एम्प्लॉइज छोड़ के नहीं चला जाएगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं जाने का कारण क्या है जो मैंने आपको बताया? या तो इनको नॉलेज नहीं है, या तो इनको वहां पे जाके सेटअप लगाना नहीं आता, मैनेजमेंट नहीं है, डर बना हुआ है। समझ आइए? और सिक्योरिटी जैसा कुछ नहीं होता सर। आपको, आप अगर AWS अच्छे से, अगर आपको क्लाउड के बारे में अच्छे से पता है, तो क्लाउड प्रोवाइडर आपको ये भी फैसिलिटी देते हैं कि आप डेटा अपने घर पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं, डेटा मत रखिए वहां पे, सारी फैसिलिटी है। और जो आदमी कहता है मुझे सिक्योर होना ना, तो सिक्योर होने का मतलब है कि तू इंटरनेट ही मत चला अपने एनवायरनमेंट में, तो ही तू सिक्योर है। तो आप अपना फिजिकल डेटा सेंटर भी लगाते हो, इंटरनेट भी लेते हो, मतलब आप अपने आप को सिक्योर एक लेयर से करते हो, नंबर ऑफ कंप्लाइंस को फॉलो कर। तो AWS में भी बहुत सारी लेयर्स होती है, सिक्योरिटी के कंप्लाइंस फॉलो करने पड़ते हैं, राइट, उन सारी चीजें से आप। तो समझ में आ गई नीतीश जी? सर हाँ जी सर। तो एक दिन सबको जाना है ना, एक दिन हर लोग अडेप्ट करेंगे। ये तो वैसे करना
सिंपल से अपने पर्सनल लाइफ से रिलेट करो ना यार, आपके गांव आपकी फैमिली में मान लो कोई बुजुर्ग आदमी है ना, है ना, उसने कीपैड का फोन चलाता था, उसको एंड्रॉइड फोन ले जाके दे देना, एडेप्ट नहीं करेगा, बोलेगा पागल है ये कैसे चल रहा है, वो मेरा कीपैड ही सही है। लेकिन एक दो साल के बाद जाना, एक दो साल छोड़ दो, उसको थोड़ा सा दिखा देना कि बाबा इसमें ना वीडियो कॉल हो रहा है, देखो आपके लड़के से बात हो रही है, ये तो बढ़िया है, आप एडेप्ट कर लिया। तो कोई भी चीज जब हमें जानकारी नहीं होती तो हम उसको एडेप्ट नहीं करते हैं, हम उसके बारे में गालियां देते हैं। तो जो आप सुन रहे हो इंडिया के अंदर कि लोग कहते हैं कि क्लाउड इज नॉट गुड, सिक्योर नहीं है, वो सब बकवास है सर। अगर बकवास होता ना तो मैं कहता हूं कि इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया यूएस की गवर्नमेंट से क्या इंडिया की गवर्नमेंट ज्यादा सिक्योर? यूएस की गवर्नमेंट पूरी क्लाउड में बैठ गई है। मैं कहता हूं यूएस की डिफेंस से क्या आपकी इंडिया डिफेंस ज्यादा सिक्योर है? क्लाउड पे बैठ गई है। मैं कहता हूं कि आपका इंडियन का जो टेलीकॉम सेक्टर है, जो एयरटेल वोडाफोन है, ये क्या यूएस के टेलीकॉम सेक्टर से ज्यादा सिक्योर है? वो क्लाउड पे बैठे हुए। यूएस की बैंक से क्या आपका एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक, इंडिया का बैंक ज्यादा सिक्योर है? वो क्लाउड पे बैठे हुए। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कि बैंकिंग सेक्टर नहीं जाएगा, डिफेंस सेक्टर नहीं जाएगा? तो ये गलत है सर। अब होता क्या है कि कंपनी, हमारी कंपनी ने बोला कि हम क्लाउड पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सिक्योर नहीं है, है ना। उन्होंने हमें बोला, हम चार आदमी को बोला, चार आदमी को बोला, अपने में खुश हैं मगर। तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी है सर, आपको डिसाइड करना है कि आपको करियर कहां लेके जाना। तो ले देके समझाने का मतलब मेरा ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम कंपनी सॉल्व कर रही है, कहां जाके? क्लाउड पे। हाँ, आपके पास बहुत पैसा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ठीक है भाई चलाइए। तो ये भी नहीं कहूंगा कि 100% जाएंगे, बट आपको डिसाइड करना है भाई आपको अपना करियर कहां पे लेके जाना, ठीक है। तो क्लाउड के आने से सिर्फ एक ही फायदा हुआ कंपनी को कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, और कोई फायदा नहीं है क्लाउड के आने से। क्या फायदा है सर? इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम और बनी हुई थी। अब वो प्रॉब्लम क्या था? हम ये सब कुछ सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कर रहे थे, हमने चलो इंफ्रा लगा लिया क्लाउड पे, राइट। अब क्या हो रहा था कि मान लो ये चाहे लोकल हो चाहे क्लाउड पे हो, है ना, बना तो हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ही लगाया गया ना। अब मान लो यहां पर एक कंपनी है IBM नाम की। अब यहां पर क्या है, IBM नाम की एक कंपनी है ना। अब यहां पर मान लो एक माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है। अभी माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी ने विंडोज सर्वर 2019 बनाया, है ना, IBM को दे दिया। IBM ने क्या किया, अपने प्रोडक्शन में 2019 को इंस्टॉल करके उसके ऊपर एक एप्लीकेशन चला रही थी, लेकिन एप्लीकेशन में तो दिक्कत आ रही है, तो IBM किसको फोन करेगा? IBM किसको फोन करेगा सर? माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा कि मैं आपको ना विंडोज सर्वर 2019.1 एक नया वर्जन रिलीज करती हूँ, उसको अपग्रेड कर लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, ये बोल दिया। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की टीम क्या कर रही थी, कोडिंग मैनुअल कर रहे थे। कोडिंग करने के बाद उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ, कोडिंग को यहाँ पे अपलोड किया, सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड की टेस्टिंग मैनुअल कर रहे, कंपाइलिंग मैनुअल कर रहे। पता लगा कंपाइलिंग करने में इन्होंने एक महीना लगा लिया, राइट। उसके बाद ये 5000 स्टेजिंग एनवायरमेंट में उन्होंने इंस्टॉल किया, क्वालिटी टेस्ट किया, क्वालिटी टेस्ट करने में एक महीना लग गया, मतलब 2 महीने हो गए, क्वालिटी टेस्ट फेल्ड हो गया। फिर डेवलपर के पास जाएगा, फिर प्रोसेस चलेगा, फिर क्वालिटी टेस्ट चलेगी, पता लगा 2 महीने और लग गया, 4 महीने हो गए एक वर्जन को रिलीज करने में, सब मैनुअल हो रहा है। पता लगा कि 4 महीने के बाद पता लगा कि अब परफेक्ट है, अब प्रोडक्शन में डाला गया, प्रोडक्शन में डालने में एक महीना लग गया, मतलब टोटल कितने महीने हो गए? 5 महीने। 5 महीने के बाद इस IBM के पास विंडोज सर्वर 2019.1 माइक्रोसॉफ्ट ने दिया, मतलब 5 महीने से IBM वेट कर रहा था। समझ आ रही है मेरी बात यहां पर? तो कंपनी ने बोला यार इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, लेकिन ये प्रोसेस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, ये जो मैनुअल हो रहा है इसको खत्म किया जाए। तो एक ही बात आती है,
कि भाई एक काम करिए, इंसान काम कर रहा है ना यहाँ पर, तो इंसान काम करेगा तो भाई टाइम तो लगेगा, इंसानों से भी लेजी होता है। तो कहा गया कि ऑटोमेशन टूल लाइए, इंसान की जगह जो इंसान कर रहा है ना मैनुअल, वहां पर टूल्स ले आइए। तो ठीक है भाई, यहां पर डेवलपर को दिक्कत होता था अपना सोर्स कोड को वर्जन को मेंटेन करने के लिए, तो कंपनी ने बोला एक काम करो, हर एक डेवलपर के सिस्टम में गिट इंस्टॉल कर दो, तो गिट के थ्रू वो लोग अपना वर्जन कंट्रोल मैनेज कर लेंगे, राइट। डेव सर्वर की जगह कंपनी ने गिटहब का इस्तेमाल कर लिया। कंपनी ने बोला कि अच्छा सोर्स कोड की टेस्टिंग मैनुअल ना करके कंपनी ने सोर्स कोड टेस्टिंग के टूल यूज कर लिए। एन नंबर ऑफ टूल्स होते हैं, जैसे सोनार क्यूब। कंपनी ने बोला अच्छा कंपाइलिंग कैसे किया, कंपनी ने मेवेन को इस्तेमाल कर लिया, मेवेन टूल के थ्रू कंपाइलिंग। एन नंबर ऑफ एस बताऊंगा, समझ आ रही मेरी बात यहां पर? कोको कोला सुना है? कोको कोला पिया है? स्प्राइट, थम्सअप, ये सब अल्टरनेट, सब कोल्ड ड्रिंक ही है, सब बताऊंगा, समझ आ गई मेरी बात यहां पर? तो कंपनी ने मेवेन के थ्रू कंपाइलिंग कर लिया। अब सवाल आता है, ठीक है कंपाइलिंग करेंगे, जब सॉफ्टवेयर बनता है तो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में 5000 सर्वर है, अब 5000 सर्वर पर इंस्टॉल करने में टाइम लगता है ना, तो कंपनी बोला ऐसा कुछ लाओ कि एक बार में 5000 सर्वर पर इंस्टॉल हो जाए। तो कंपनी ने क्या किया, यहां पर एक और सर्वर रखा। अब सर्वर रखने के बाद कंपनी ने बोला इस पे डाल लो एंसेबल, तो एंसेबल के थ्रू सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करने लग गया। एंसेबल से पहले भी ऑटोमेशन था, स्क्रिप्टिंग, सेल स्क्रिप्ट, पाइथन स्क्रिप्ट, बट ये थोड़ा सा डिफिकल्टीज करता है आदमी को। एंसेबल बहुत इजी है, कहता है इसके थ्रू डिप्लॉयमेंट करो, तो एंसेबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट होने लगा, राइट। अब पता लगता है ये 5000 सर्वर कहाँ है, तो 5000 सर्वर हो सकता है फिजिकल भी रखा हो, लेकिन नया जनरेशन आ गया फिजिकल होगा नहीं, हो सकता है कई कंपनी फिजिकल रखी भी है ना, तो वीएमवेयर के ऊपर वीएम बनाकर रखी है, ओपन स्टैक के ऊपर ओपन स्टैक पे रखी है, लेकिन नई जनरेशन की कंपनी क्या बोलती है क्लाउड पे लगे, तो 5000 सर्वर कहां लगे, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे। ये 10000 सर्वर कहां लगे, एडब्ल्यूएस क्लाउड पे। कंपनी बोलती है यार 10000 सर्वर, 5000 सर्वर AWS क्लाउड पे लगे हैं, तो इनके पैसे तो जा रहे हैं ना मंथली। कंपनी बोलती है रिसोर्सेस कम करो, क्या करो, रिसोर्सेस कम करो। तो रिसोर्स कम करने का क्या तरीका है, रिसोर्स कम करने के लिए मार्केट में माइक्रो सर्विसेस आ चुके हैं। वो माइक्रो सर्विसेस क्या है, डॉकर, कंटेनर, कहा जाता है डायरेक्ट वीएम पे मत चलाइए, कंटेनर पे चलाइए एप्लीकेशन, माइक्रो सर्विसेस। तो कंपनी ने क्या किया, स्टेजिंग एनवायरनमेंट में 5000 सर्वर ना लेकर 50 सर्वर पे काम कर रही है, मतलब AWS में 50 सर्वर बने हैं बस, उनके ऊपर माइक्रो सर्विसेस क्या डाल रहा, डॉकर डाल लिया, राइट। अब बात आती है, इन्होंने स्टेजिंग एनवायरनमेंट में भी डॉकर डाल लिया, प्रोडक्शन में भी डॉकर डाल लिया, क्लियर। तो मतलब इन्होंने पहले तो 50 सर्वर लिया होगा, अब वो 50 ठीक है डॉकर चला रहे बढ़िया है, लेकिन इनको भी एक क्लस्टरिंग मैनेजमेंट करने के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए करने के लिए कंपनी ने Kubernetes का इस्तेमाल कर लिया, बेटर मैनेजमेंट करने के लिए, समझ आ रही मेरी बात यहां पर, क्लियर। अब कंपनी बोलती है ठीक है ये बढ़िया हो गया, अब मॉनिटरिंग कैसे करें, कंपनी बोला Nagios लिया, Nagios के लिए Splunk एन नंबर ऑफ टूल्स है। तो कंपनी ने जहां पर अपना काम मैनुअल कर रहे थे वहां पर उन्होंने हर एक स्टेज में ऑटोमेशन टूल लगा दी, अब ऑटोमेशन टूल्स अपना काम कर रहा है। लेकिन पता है इनके बाद भी कंपनी को एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, अब क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपने हर एक स्टेज में ना अपना अपना ऑटोमेशन रखा हर एक स्टेज में। कल को क्या हुआ कि गिट के इंजीनियर अलग है, गिटहब के इंजीनियर अलग है, सोनार क्यूब के इंजीनियर अलग है, मेवेन का इंजीनियर अलग है, एंसेबल के इंजीनियर अलग है, डॉकर कुबरनेटिस के इंजीनियर अलग है, Nagios के इंजीनियर अलग है। आपको क्या लगता है ये गिट अभी आया है, 20 साल से कंपनी चला रही है, आपको लगता है मेवेन अभी आया, कई सालों से चल रहा है, ये जो कंटेनराइज का जो सिस्टम है वो आज का है, गूगल कंपनी कई सालों से चला रही है, डब्बा जब पढ़ेंगे तो और डिटेल देखेंगे, डब्बा
उसके बारे में अलग से मेरे को 45 मिनट देना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, एक्चुअल में कंटेनर समझाने में, है ना, समझ आ रही है। तो कंपनी ने ये वाला स्टेज गिट से कर रहा है, ये वाला स्टेज गिटहब से, ये वाला इससे, ये वाला इससे। लेकिन दिक्कत क्या आती थी पता है, यहां से डेवलपर कोड लिख के जब पुश करते थे ना तो गिटहब में ना पहुंच नहीं पाया। अब पहुंच नहीं पाया तो गिटहब के इंजीनियर पता क्या बोलते हैं, साला गिट के इंजीनियर ने कुछ गलत सेटिंग किया इसलिए कोड नहीं पहुंच पाया। अब गिटहब के इंजीनियर नए हैं, गिट के इंजीनियर पुराने, गिटहब के इंजीनियर को गिटहब की नॉलेज है, गिट के इंजीनियर को गिट की नॉलेज, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। पता लगता है कि इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब पता लगता है कि कंपाइलिंग फेल हो रहा है, जब कंपाइलिंग फेल हो रहा है तो पीछे की टीम झगड़ा कर रही है। पता लगता है एंसेबल के थ्रू डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है, डिप्लॉयमेंट फेल हो गया तो डॉकर वालों को ब्लेम कर रहे हैं, तो ये झगड़ा चल रहा है इनके बीच। अब झगड़े को कैसे खत्म किया जाए, क्या चल रहा है सर, झगड़ा चल रहा है इनके बीच, तो अब सवाल आता है झगड़े कैसे खत्म किया जाए। तो झगड़ा खत्म करने के लिए कंपनी ने बोला है, यार हम लोगों ने तो बहुत बढ़िया कर लिया, हम लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्व कर लिया, ऑटोमेशन टूल भी लगा लिया, लेकिन साला ये झगड़ा बना हुआ है, झगड़ा कैसे खत्म किया जाए। तो झगड़ा खत्म करने के लिए कंपनी ने बोला, ऐसा बंदा लाओ कंपनी जो ना सब कुछ जानता हो, और जहां पे झगड़ा होगा ना वहां पे उसको भेज देंगे, वो सॉल्व करके आ जाएगा। लेकिन वो बंदा मिलेगा कहां, सारा कुछ कौन जानेगा। तो कंपनी ने बोला, यार मिल जाएंगे बहुत सारे बंदे, 8-10 टूल तो ये हैं। चलो कंपनी ने ढूंढ भी लिया, लेकिन अब सवाल आता है कि इनकी जॉब प्रोफाइल क्या रखे, क्या जॉब प्रोफाइल रखे। अभी तो चलो ठीक है, लिनक्स एडमिन दे दिया, सिस्टम एडमिन दे दिया, डॉकर एडमिन दे दिया, एनसेबल एडमिन दे दिया, गिट दे दिया, इन ये सब कुछ लेके आएंगे तो क्या मल्टी टैलेंट एडमिन बोलेंगे, सवाल आ रही समझ में, क्या बोलेंगे मल्टी टैलेंट एडमिन हायर किया हमने। कंपनी ने एक जॉब प्रोफाइल सेट की, उस जॉब प्रोफाइल का नाम क्या है, डेवऑप्स इंजीनियर। तो डेवऑप्स कोई कोर्स नहीं है, कोई टूल नहीं है, डेवऑप्स एक प्रोफाइल का नाम है, जॉब की प्रोफाइल का नाम है। ये एचआर डिपार्टमेंट के लिए है, एचआर ने दिया है इसको हमारे लिए, डेवऑप्स इंजीनियर लाइक हायर करना है। अब इस प्रोफाइल के बंद, इस जॉब प्रोफाइल में जो बंदे जाते हैं उनसे सारी चीजें मांगी जाती है, समझ आ गई मेरी बात। तो चलो कंपनी ने कहीं ना कहीं से इंटरव्यू लेके एक आज बंदा हायर कर लिया अपनी कंपनी में, आ गया वो बंदा। चलो अब वो बंदा आ गया, मान लो यहां पर वो बंदा है अमित, अब करेगा क्या अमित यहां पर, डेवऑप्स इंजीनियर ज्वाइन कर लिया, ऑफर लेटर मिल गया डेवऑप्स इंजीनियर का, अब क्या करेगा यहां पर, सब कुछ तो चल रहा है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, देखो अगर गिट की टीम ने गिट से कोड वहां गया गिटहब में, अब कुछ झगड़ा चल रहा है, दोनों की टीम झगड़ा कर रही है, तो डेवऑप्स इंजीनियर क्या करेगा, आएगा इसके प्रॉब्लम को सुनेगा, इसके प्रॉब्लम को सुनेगा, मार्केटिंग देख किस हिसाब से, दोनों के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेगा। इसको लगता है कि अच्छा गिटहब की टीम में दिक्कत है, तो गिट के इंजीनियर गिटहब के इंजीनियर को बोलेगा ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देकर डेवऑप्स इंजीनियर वापस अपने सीट पे आके बैठ जाए। उसका काम नहीं है कि सॉल्व करके देना, मैं डेडिकेट इंजीनियर है गिटहब के लिए, मैं क्या सॉल्व करूंगा यार, सोल्यूशन बताया और आके सीट पे बैठ जाए। ऐसे ही पता लगता है कि कंपाइलिंग हो रही है, कंपाइलिंग फेल हो गई, मेवेन की टीम गिटहब की टीम झगड़ा कर रही है, सोनार की टीम झगड़ा कर रही है, फिर डेवऑप्स इंजीनियर गया, प्रॉब्लम सुना, मेवेन की टीम में दिक्कत थी, मेवेन की टीम को बोला यार ये वर्जन गलत है, टीम को सलूशन दिया, सलूशन बताकर वापस आया सीट पे, मेवेन की टीम ने सलूशन को लागू किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब पता लगता है कि एनसेबल की टीम डिप्लॉयमेंट करती है किसके ऊपर, कंटेनर के ऊपर, कंटेनर किस पे चल रहा है, डॉकर के ऊपर। तो पता लगता है कि एनसेबल की टीम डिप्लॉयमेंट क्या हुआ, डिप्लॉयमेंट फेल्ड। अब एनसेबल और डॉकर वाले ले मेल पे मेल, बॉस को सीसी में रखे उसको, साला तुम मेल पे मेल खेल रहे हो, वहां क्लाइंट वेट कर रहा है कब आएगा सॉफ्टवेयर, समझ आ रही है बात यहां पर। तो डेवऑप्स इंजीनियर पहुंचा, क्या प्रॉब्लम भाई, एनसेबल वाले के टीम की प्रॉब्लम देखा, पता लगता है कि साला तूने प्लेबुक में ना एक सिंटेक्स गलत लिखा,
तो एंसेबल के वाले को बताया कि इसको सॉल्व कर ले, उसने सॉल्व किया, चल गया, पता लगता है एंसेबल की टीम में दिक्कत नहीं था, डॉकर का जो वर्जन गलत था। डेवॉप्स इंजीनियर ने बताया भाई डॉकर की टीम को भाई ये वर्जन सही कर ले, उसने सही किया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पता लगता है ना ही एंसेबल की टीम में दिक्कत थी ना ही डॉकर की टीम में दिक्कत थी, डॉकर के नीचे जो लिनक्स पड़ा हुआ था वो लिनक्स का वर्जन गलत, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो। तो डेवॉप्स इंजीनियर ने बोला कि लिनक्स की टीम को बुलाइए, वो करेंगे, सोल्यूशन दिया, लिनक्स की टीम ने सही किया। अब पता लगता है कि ना ही एंसेबल में दिक्कत था, ना ही डॉकर में दिक्कत था, ना ही लिनक्स में दिक्कत था, पता लगता है कि जो वीएम है ना वो AWS में बना, AWS में जो वीएम बना था उसमें दिक्कत, AWS की टीम को भी इन्वॉल्व किया। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो मतलब ऐसा काम कौन कर सकता है जिसको सब चीज आती हो, राइट? इसके बाद पता लगता है कि साथ में कुबरनेटिस भी चल रहा था, तो हो सकता है कुबरनेटिस में दिक्कत हो। ऐसे ही पता लगता है नेगियोस में कुछ दिक्कत आ रहा, तो फिर डेवॉप्स इंजीनियर आया। तो डेवॉप्स इंजीनियर का काम क्या है? एक पुलिस वाले की तरह काम कर रहा है, इंस्पेक्टर। कि अभी कल 26 जनवरी है, कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए, कुछ होगा तो पहला रोल उसका है। तो आपकी कंपनी सॉफ्टवेयर बना के बेच जो रही है ना, सॉफ्टवेयर बनने में कुछ दिक्कत आया, सबसे पहला रोल तेरा है, तू रिपोर्ट करेगा क्या दिक्कत है। फर्दर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी तो फिर हम डॉकर की टीम से बात करेंगे, हम एंसेबल की टीम से बात करेंगे। तो डेवॉप्स इंजीनियर को इसलिए लाया जाता है कंपनी के अंदर। अब सवाल आता है कि डेवॉप्स इंजीनियर ने बोला यार ऐसे तो बार बार प्रॉब्लम आती रहती है, कुछ ऐसा कुछ कर दूं कि प्रॉब्लम अपने आप मुझे डिटेक्ट हो जाए। तो डेवॉप्स इंजीनियर ने बोला एक काम करता हूं, इस टूल को इससे जोड़ देता हूं, इसको इससे इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको इससे इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको एंसेबल से इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको डॉकर से इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको डेवॉप्स AWS से इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको नेगियोस टूल से इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको डेवलपर से इंटीग्रेट कर देता हूं, ईमेल चला जाए, मतलब एक पाइपलाइन बना देता हूं। तो अब सवाल आती है कि पाइपलाइन कैसे बने? तो पाइपलाइन बनाने के लिए डेवॉप्स इंजीनियर ने क्या किया? जेनकिंस का इस्तेमाल किया। तो एक पाइपलाइन बन गई। इस पाइपलाइन को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं पता है? CI/CD, कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू डिलीवरी। मतलब कंटिन्यू इंटीग्रेट हो रहा है, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कंटिन्यू डिलीवर हो रहा है। क्या डिलीवर हो रहा है? सॉफ्टवेयर। किसको? IBM को, जो खरीद रहे हैं उसको। मैं कहता हूं आप किसी समोसे की दुकान में जाइए और समोसा छान रहा है और बांटते जा रहा, वो भी CI/CD यूज कर रहा है, वो भी कंटिन्यू इंटीग्रेशन, कंटिन्यू डिलीवरी, कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट चला रहा है। एक समोसे की दुकान में जाइए, समोसा छानता है ना, उसके बाद कुछ करता है, फिर उसके बाद देता है, वो CI/CD नहीं। मतलब बनाने वाला बंदा अलग बैठा हुआ, कलेक्ट करने वाला बंदा, कस्टमर को सर्व करने वाला बंदा, मतलब CI/CD यूज हो रहा है। IT को समझना है तो पर्सनल लाइफ से रिलेट करते चलो बस। तो अब सवाल आता है कि अगर हम CI/CD का मेथड यूज करते हैं ना, तो पता लगता है सॉफ्टवेयर का नया वर्जन निकालने में ना विद इन द डे निकल जाता है। मतलब IBM नाम की कंपनी ने बोला कि ये बग था, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि बस विंडो 19.1 देता हूं, पता लगा 19.1 को निकालने में विद इन द डे लगा, विद इन द डे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, IBM भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। तो CI/CD मेथड से अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाता है तो टाइम कम लगता है। तो डेवॉप्स कोई कोर्स नहीं है, डेवॉप्स इज द मेथोडोलॉजी भी आप बोलो तो चलेगा, मेथड है। क्या मेथड है? सॉफ्टवेयर को बनाने का। और मैं कहता हूं कल भी सॉफ्टवेयर बन रहा था, आज भी बनेगा, बाद में भी बनेगा, 10 साल बाद भी बनेगा। कल कंपनी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए इंफ्रा घर पे लगाती थी, प्रोसेस मैनुअल चलाते थे, आज कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इंफ्रा क्लाउड पे लगाती है, प्रोसेस को ऐसे चला रही है, टाइम बच रहा। मैं कहता हूं सर गांव में ना एक किसान भी अपने आप को अपग्रेड कर लिया, गांव में वैसे चले जाइए ना, कोई किसान आपको मैनुअल खेती करते नहीं मिलेगा, ट्रैक्टर से कर रहा है, फसलें मशीनों से कटवा रहा है, मतलब उसने भी अपने आप को अपग्रेड किया। अब हम एक कंपनी है एयरटेल, बैठे हुए हैं अपने बिल्डिंग में डेटा सेंटर लगा ले, क्या दिक्कत है भाई? अपने बिल्डिंग में डेटा सेंटर लगा के बैठे हुए, लगा रखिए, कौन मना करने आ रहा है? आज भी गांव में किसान कुछ ऐसे मिल जाएंगे जो हल लेके हल जोत रहे। क्या रीजन हो सकता है? पैसा नहीं है भाई रिसोर्सेज के लिए,
है ना, उसके पास पैसा नहीं है कि भाई ट्रैक्टर से हल जो खेत जुतवा सके। अब उससे जाके पूछिएगा जरा ट्रैक्टर से तेरे में अपने अपने लिए ना 50 बेनिफिट बता देगा, और ट्रैक्टर से पैसा देना पड़ता है, वो जमीन को सही से नहीं खोदता है, वो कारण बताया ना। तो डिपेंड करता है आप किस लेवल पे जा रहे हो। तो हर कंपनी अपने आप को अपग्रेड कर रही है, और सबसे मजे की बात तो पता है क्या है कि 95% दिल्ली एनसीआर में ना लोगों को पता ही नहीं कंपनी क्या कर रही है। बस क्या पता है सिस्टम एडमिन, लिनक्स एडमिन, विंडोज एडमिन, सिस्को एडमिन, ये एडमिन। अरे समझ तो कंपनी क्या कर रही है, कहां पे पासा पलट जाता है, और पासा पलट गया हम उसमें फंस भी गए। पहले पता चल चुका होता ये प्रोसेस, टेंशन ही नहीं रहती। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? हाँ जी सर, ऑनलाइन नीतीश जी सर आ रहा। तो अब क्या हुआ पता है, कुछ कंपनियां ना इसका भी बेनिफिट उठाई। अभी गाड़ी यहां पे खत्म नहीं हुई, कुछ कंपनियों ने इसका भी बेनिफिट उठाया। क्या बेनिफिट? इस प्रोफाइल का भी बेनिफिट उठाया। कंपनियों को पता है साला जिस बंदे को डेवऑप्स इंजीनियर पे आ रहा होगा ना, वो सारी चीज लेके आ रहा होगा अपने साथ। अब देखो बड़ी कंपनियों में क्या होता है ना, अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करो, आईबीएम की, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, आईबीएम हो गया, एसएपी हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया ना, ये कंपनी ना 20 साल पहले से एक चीज डेवऑप्स एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करके बैठे हुए। इन कंपनियों में जब आप जाओगे ना, तो ये कंपनियां हर एक स्टेज के अलग अलग बंदे होते हैं, मतलब डॉकर कुबरनेटिस के अलग बंदे होंगे, डेवऑप्स के इस काम को करने के लिए अलग बंदे होंगे, एडब्ल्यूएस के लिए अलग होंगे, सब अलग अलग होंगे, एक डेवऑप्स प्रोफाइल अलग होगा, है ना। लेकिन आजकल छोटी छोटी कंपनी भी इसको अडॉप्ट कर रही है। अभी छोटी कंपनी पता है इस प्रोफाइल का फायदा उठाती है, पता है क्या बोलती है, डेवऑप्स इंजीनियर जो हम लोग हायर करेंगे उसे तो सब पता होगा, तो जब भी कहीं पर कोई स्टेज में प्रॉब्लम आएगी ना, तो बोलेंगे इसे ना तू ही सॉल्व कर, क्या कर तू ही सॉल्व कर, एडब्ल्यूएस में दिक्कत है तू ही सॉल्व कर। तो मिस यूज भी हो रहा है डेवऑप्स इंजीनियर का, आपको समझना है कि कैसे कहां पे मेरे को मिस यूज किया जा रहा है। हाँ चलो ठीक है, आप अगर लर्निंग पर्पज से कंपनी में जा रहे हैं तो ठीक है, मिस यूज हो रहा है, फायदे में ही रहोगे सर, सोल्यूशन करवा रही है कोई बात नहीं, एक देर सर्कल फिर स्विच कर देंगे। तो अब समझ में आया डेवऑप्स क्या है। डेवऑप्स सर कोई कोर्स नहीं है, कोई टूल नहीं है, डेवऑप्स एक जॉब प्रोफाइल है जो कंपनी में सेट किया गया है, और सॉफ्टवेयर बनाने का एक मेथड है। समझ आ रही मेरे पास यहाँ पे? तो अब बात आती है इस प्रोफाइल, अब कंपनी में इस जॉब प्रोफाइल पे जाने के लिए क्या क्या चीज है। तो अब सवाल यहां पर क्या उठता है पता है, बंदे ने लिनक्स किया, लिनक्स करके चला गया इंटरव्यू देने। अब जिस जहां तो आपने इंटरव्यू देने गया ना, वो उम्मीद रख रही तुझे सब आता होगा, तो तेरे से और भी काम करा लेंगे। अब पता लगा लिनक्स को लेकर गए, अब क्लियर ही नहीं हो पाया, उसे और चीज चाहिए था। पता लगा कि लिनक्स के साथ AWS भी कर लिया, तब भी क्लियर नहीं हुआ चीजें। तो कहीं ना कहीं आदमी परेशान है पता इस चीज को लेकर। समझ आ गई? और यहां तक अगर आपने अपने और डेवऑप्स इंजीनियर को बनने के लिए सबसे जो मिनिमम चीजें जो है आज के टाइम वो क्या क्या आना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ओएस का नॉलेज होना चाहिए, ओएस में आपको विंडोज पता होना चाहिए विद लिनक्स, ज्यादातर लिनक्स पता हो तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद आपको एटलीस्ट क्लाउड के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, जैसे AWS या कोई अदर क्लाउड भी पता है तो अच्छी बात। ऐसे आपको वर्चुअलाइजेशन के एंड में आपको डॉकर पता होना चाहिए, इसके अल्टरनेट नहीं लिख रहा हूं, जो ज्यादातर टूल यूज होते हैं उसके बारे में लिख रहा हूं, ये पता होना चाहिए कुबरनेटिस। ऐसे आपको ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट करने के लिए एंसिबल पता होना चाहिए, इसके अलावा अल्टरनेट पपेट सैप भी है बट एंसिबल पता है तो दैट इज सफिशिएंट। पहले एंसिबल करिए, फिर जब आप कर ले तो बाद में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आपको गिट एंड गिटहब एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए।
कंपाइलिंग कॉन्फ़िगरेशंस पता होना चाहिए मेवन, सीआईसीडी बनाने के लिए जेनकिंस टूल का पता होना चाहिए, टेराफॉर्म आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए आइडिया, क्लाउड फॉर्मेशंस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपके सामने लिखा है इतना आपको पता होना चाहिए सर, इसके बाद ही आप एलिजिबल हो डेवऑप्स इंजीनियर के इंटरव्यू में बैठने के लिए। अगर इतनी चीजें नहीं पता तो आप डेवऑप्स इंजीनियर के इंटरव्यू में जाना भी बेकार है, और जाके फालतू का किराया खर्च करके आ जाना और कुछ नहीं। और सबसे मजे की बात तो पता है, कंपनी तरस रही है कोई आ जा भाई, एक्सपर्ट नहीं है कोई बात नहीं, 30-30% 20-20% भी अगर तुझे आता है ना मैं रख के तुझे सिखा दूंगी। लेकिन सवाल ये आता है कि बंदे सीख तो जाए, पता तो हो कि ये चीजें मांगी जाती हैं। बस पता क्या, बंदे क्या करते हैं लिनक्स में एक्सपर्ट होके चले गए, AWS में एक्सपर्ट होके चले गए, भाई मुझे नहीं चाहिए। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो आपको अगर ये चीज सच्चाई जाननी है ना, मैं कहता हूं आज घर जाओ naukri.com में जाना और कीवर्ड में ना ये लिख देना, एक टूल बस हो गया। naukri.com में अगर साइट बनाया होगा तो खोल के ना एक टूल लिख देना बस हो गया, और एक लाइन लिख देना मैं वर्किंग हूँ, वर्किंग में नहीं इसका नॉलेज है मुझे लिख देना बस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। देखना करते ना 10 कंपनी कॉल करेगी। अगर आपको देखना चाहते हो तो बात तो वही थी कि बंदा 10-10 साल से एक ही टूल पे काम कर रहा था, 10 साल से बंदा एक ही टूल में काम, 10 साल से बंदा सिस्को में ही काम, 10 साल से बंदा लिनक्स में ही काम, 10 साल से विंडोज में ही बैठा हुआ, अब एकदम से मार्केट बदल गया। तो इसीलिए आईटी सेक्टर में रहना है तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलना पड़ता है। कहते हैं ना कि बहता हुआ पानी अगर धीरे धीरे भी बहे उसकी वैल्यू है, ठहरा हुआ पानी तालाब में भी इकट्ठा हो जाए समुद्र में भी इकट्ठा हो जाए कोई वैल्यू नहीं, बदबू आती ठहरे हुए पानी से। और सबसे मजी बात तो ये है कि ठहरा हुआ पानी उम्मीद भी करता है, खुशबू नहीं आ रही, सैलरी नहीं बढ़ रही। तो आपको अगर आईटी सेक्टर में रहना है तो आपको हर टेक्नोलॉजी से अवेयर होके चलना, आपको पता करते रहना पढ़ना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप उसमें लर्निंग करिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करिए, लीजिए। अब कोई बंदा मेरे से बोलता है सर एक्सपीरियंस कहां से आएगा, बंदा मेरे से ऐसे से बंदे आके बोलते हैं सर एक्सपीरियंस कहां से आएगा बताइए। अगर ये बात आप 10 साल पहले बोलो ना तो अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि 10 साल पहले आपको घर पे लैब करने के लिए ना राउटर नहीं मिल रहा था, आपको घर पे लैब करने के लिए 64GB का सर्वर नहीं मिल रहा था, लेकिन आज आपके पास सर्वर है लैब करने। आज आप ये वर्ड मत बोलिए कि एक्सपीरियंस कहां से लाऊं, मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हर चीज रखी हुई है सर। आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी में क्या होता है, मैं कहता हूं अपनी कंपनी के लॉजिक को यहां लगाइए ना, इंप्लीमेंटेशन करिए। और आजकल तो यार पूरे बने बनाए सब कुछ रखा हुआ है, सोर्स कोड उठा लीजिए, मतलब पूरा लाइव एक्सपीरियंस आप घर बैठ के ले सकते हैं। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? तो हमें पूरे डेवऑप्स में यही करना पड़ता है कि पहले हम एक एक टूल के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, और जब हम एक टूल पूरे हर एक टूल को एक एक करके अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, हम सारे टूल को एक दूसरे से इंटीग्रेट करते हैं, और सारे टूल को इंटीग्रेट करने के बाद फिर हम ना सोर्स कोड उठा के लाते हैं। अब हम डेवलपर तो नहीं है कि हम सोर्स कोड लिखेंगे, इंटरनेट में जाइए सोर्स कोड मिल जाता है, सोर्स कोड को उठा के लाइए और एक सिस्टम में बैठ के ना पुश मारिए, कमिट करिए। जब आप सोर्स कोड को कमिट करेंगे तो आपका सोर्स कोड अपने आप यहां पहुंचना चाहिए, यहां से यहां पहुंचना चाहिए, कंपाइलिंग अपने आप होना चाहिए, कंपाइलिंग के बाद एनसीएल के पास अपने आप जाना चाहिए, डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट यहां होना चाहिए, और डिप्लॉयमेंट के बाद सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, और डिप्लॉयमेंट हो गया तो अपन का डेवऑप्स। जब आप पूरा टूल पढ़ के ये जो चीजें हैं, जब आप सोर्स को उठा के डिप्लॉयमेंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि एक बार में चल जाए, प्रॉब्लम आएगी, गिट में प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे घर पे बैठ के, रात 2-2 बजे रात तक देखोगे साला क्या फंस रहा है, कलीग से बात करोगे भाई ये दिक्कत आ रही है मेरे पास, भाई मेवन में फंस गया,
भाई एंसेबल में आके अटक गया, भाई डॉकर में आके अटक गया, भाई कुबरनेटिस में आके अटक गया, भाई लिनक्स में अटक गया। एक बार में हो जाएगा क्या? आप एक बार में साइकिल सीखा है क्या कभी बचपन में? चलो पता नहीं कितनी बार गिरा। तो जब आप ये पढ़ के पाइपलाइन बनाकर अपना डिप्लॉयमेंट कर लोगे ना, राइट, आपको ना कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फिर अपना इंटरव्यू चाहिए। पहला इंटरव्यू पास नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरा नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं कहता हूं 10 इंटरव्यू देके 11वां इंटरव्यू में ना आराम से सेलेक्ट हो। और जो बंदे डेवॉप्स की प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही जाते हैं। डेवॉप्स की प्रोफाइल में किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, लाइव एक्सपीरियंस, क्योंकि साला नया टेक्नोलॉजी है, कहां से एक्सपीरियंस पैदा कर देगा? कंपनी को जो पता है ना कि हम भी तो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, कहां से लेके आ जाए एक्सपीरियंस? हैंड्स ऑन ही चाहिए ना। डेवॉप्स के इंटरव्यू में सीधा बोला जाता है, तूने कोई प्रोजेक्ट बनाया है? जाइए डेवॉप्स के इंटरव्यू में, प्रोजेक्ट बनाया है, CI/CD बनाया है? आपने बोला यस, तो बोलेगा ठीक है सिस्टम है वही कर दे बस। आपने कर दिया एंटर, लेकिन बंदा कभी प्रोजेक्ट बनाया होता ना, वहीं पे आप इंटर हो गए। कई इंटरव्यू तो मैंने देखा है कि सिस्टम, इंटरव्यूअर के पास सिस्टम नहीं है, एक ब्लैंक पेपर पेन दे देंगे, तूने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोसेस लिख दे, प्रोसेस लिख दे। अब जो बंदे ने कभी प्रोजेक्ट नहीं बनाया वो क्या प्रोसेस लिखेगा बताना? बोल नहीं पाएगा सर, प्रोसेस लिखने की बात तो छोड़ दो। अगर आपने घर पे बैठ के लैब किया ना रात को 2 बजे, तो आप ना फटाक से पूरा पन्ना भर दोगे, सर ये किया था, ये दिक्कत आई थी, ये वहीं से इंटरव्यू जज कर लेगा क्या बंदा है, लेवल क्या बंदे। बस एक ही चीज पता है हमें, डेवॉप्स इंजीनियर, डेवॉप्स इंजीनियर, डेवॉप्स में एंसेबल होता है, इसमें ये होता है वो होता है। समझ आ गई मेरी सब बात यहां पर? तो किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ सर, मुझे नॉट रिलेटेड टू दिस, बट मेरे को पूछना था कि मेरे को ना रेगुलर क्लासेस करनी है, मतलब वीकेंड्स वाली नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो मतलब मैं कर सकती हूँ वीकडे क्लासेस, तो अभी कोई बैच है? ठीक है, फिर मैं आपसे बाद में बात कर लूंगा इसके लिए, ठीक है? कोई टेक्निकल से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना है? नहीं अभी सर, अभी तो नहीं। नीतीश? नहीं सर, मैं पहले इसके बारे में देखता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन। ठीक है आपको सर, आप लोगों को क्लियर है? विशाल, कोई समस्या? किसका? डेवलपर ऑपरेशन समथिंग होता है, हाँ। उसका क्या एसोसिएट लेवल ही होता है, उसमें भी आपका CI/CD उस टॉपिक से और बाकी उसमें देखो क्या होता है कि AWS कहता है कि भाई मैं ना अपनी तरफ से CI/CD का टूल दे रहा हूँ, जिसमें आपको बैकएंड में कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा टूल ले लीजिए CI/CD का, है ना? तो अपना CI/CD टूल दे रहा है, लेकिन अगर आप सीधे AWS का CI/CD टूल यूज करो ना, आपको बैकएंड की चीजें पता नहीं चलेंगी कि हो क्या रहा है। मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, एक बंदा कभी कंप्यूटर देखा ही नहीं लाइफ में, ठीक है, वो सीधे AWS में मशीन बना ले, मशीन बना के दे दे, वो फीलिंग समझ पाएगा अंदर की? नहीं समझ पाएगा ना। तो वही चीज है, AWS अपना CI/CD टूल दे देता है, बना बनाया पीछे प्लेटफॉर्म के साथ बना हुआ है, कह रहा मेरा ले लीजिए, बात कर ये चीज है। ये जो टूल्स बताए आपने, ये डिफरेंट वेंडर से डिफरेंट टूल्स है क्या? किस पे? लाइक AWS में डिफरेंट होगा Jenkins का? हाँ जी, हाँ जी, सब में अलग अलग होगा। हाँ, सब में अलग अलग है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो पहले कोर लेवल की पढ़ेंगे, मतलब खुद से कॉन्फ़िगरेशन करना। जब आप खुद से कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ लोगे तो फिर अदर, मैं कहता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक के बारे में समझ लो, फ्लेवर तो समझ में आ जाएगा सर। भाई बाइक चलाना सीख लो, फिर तो हीरोंडा के भी चला लेंगे, सुजुकी के भी चला लेंगे, किसी का भी चला लेंगे। बाइक चलाने की पहले बात हो रही है, ये फ्लेवर समझ आ रही है यहाँ पर? ये टूल सारे ओपन सोर्स हैं? हाँ जी, सारे ओपन सोर्स है, कोई चार्जेस सोर्सेस नहीं। आप बताइए सर।
ठीक है सर, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम, ठीक है? हाँ यार, कल रिपब्लिक डे है ना, देख लो आप लोग, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देख लो सब लोग डिसाइड कर लो। नहीं आपका क्या स्टेटस है? कल का ना कंफर्म नहीं होगा, कल का छुट्टी कर लो और क्या है ना, 26 जनवरी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, घर पे रहोगे घर है ना भाई, घर में बोल दिया कहाँ जा रहा भाई, आज 26 जनवरी है, पागल है क्या, वो भी काम नहीं करेंगे क्या? छुट्टी के दिन छुट्टी ले लो, सही रहेगा। सर जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, यश बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, यश बोलो बोलो, कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। तो सर इसको बता दिया आपने? हाँ, कोई टेक्निकल डाउट तो नहीं रहा, वो कह रही है बिग डेज के लिए, तो मैंने बोला कि मैं बाद में बात कर लूंगा बिग डेज का टाइमिंग, ठीक है? अच्छा अच्छा, बाकी सर हम लोग तो फिर मंडे से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ, हमारा तो मंडे से चलेगा, ठीक है? ठीक है सर। ये रिकॉर्डिंग मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है सर? फिर हम लोग क्लास को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोग डिस्कनेक्ट हो सकते हैं ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर, ओके ओके।